हरे कृष्णा हरे तो आज मैं ये जो का समर्पण है इसके लिए मैं काफी अपात्र हूँ क्योंकि मुझ में कोई समर्पण है नहीं पर आप सबके संग से थोड़ा समर्पण शायद प्राप्त हो जाएगा मुझ में तो मैं इसको तीन विभागों में लूंगा कितना हम कवर कर पाएंगे हम देखेंगे उसको डिपेंड करता है तो अभी लगभग मैं 30-40 मिनट के लिए एक विषय में बोलूंगा फिर उसके बाद में हम सवाल लेंगे और फिर लगभग 11:30 के आसपास विल हैव अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स एंड देन अगेन विल रिअसेंबल बाय उसके बाद में हम वापस एक सवा घंटे के लिए वापस रिअसेंबल करेंगे तो मैं दो विषय पे अभी एक विषय पे अभी चर्चा करूंगा और फिर जैसे समय मिलता है उसे अगर एक और चर्चा करेंगे इसको मेकिंग आवर सेंटर ऑन कृष्णा कैसे हमारे जी भक्ति के जीवन को हम कृष्ण पे केंद्रित करना है यह महत्वपूर्ण है यह कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो आई मेक अ डायग्राम जिससे मैं बताऊंगा क्या है व्हाइट बोर्ड आएगा तभी पर हम सबके अलग डज एनीवन हैव अ रफ पेपर यू कैन जस्ट गिव मी योर बुक आई विल ड्रॉ समथिंग और कोई तो भी फॉर्म नहीं ड्रॉ कर सकता है वहाँ पे कैसे होता है हमारे जीवन में हम जब भक्ति में भी आते हैं तो हमारे अलग अलग केंद्र हो सकते हैं कि हम सब कृष्ण पे केंद्रित होना चाहते हैं पर कुछ लोग कृष्ण की ओर आते हैं सांस्कृतिक कारणों के कारण कि हमको बचपन में ही अच्छी संस्कृति अच्छी लगती थी और उसके कारण हम यहाँ पे ये संस्कृति मुझे अच्छी लगती है और ये संस्कृति मुझे आगे बढ़ाना है हमने कोई शायद मंदिर में प्रार्थना देखी हो कीर्तन देखे होंगे श्लोक देखे होंगे या हम में से कुछ होते हैं जो सामाजिक कारणों से आते हैं सामाजिक मतलब क्या कि शायद हमको अच्छा संग चाहिए और हम बुरे संग में फंस गए थे या बुरे संग से हमको बुरे अनुभव आए हैं हमको अच्छे लोगों के साथ रहना है और हम जब कॉलेज में आते हैं या कहीं नई जगह पे आते हैं और जहाँ पे अकेले रहते हैं और फिर हमको भक्तों का संग अच्छा लगता है तो उसके कारण फिर हम जो है आगे बढ़ने लगते हैं तो इसमें से क्या है कोई भी चार कारण ऐसे अधिकांश रूप से हो सकते हैं गेट द वाइट बोर्ड ओके ठीक है तो व्हेन यू कम यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस पॉसिबल इफ यू कैन तो भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि चार प्रधान कारणों से लोग उनके पास आते हैं क्या है चार कारण किसी को पता है आतो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी हाँ ठीक है तो अभी शास्त्रों में इन सब के उदाहरण दिए हैं आर्तों का उदाहरण कौन है गजेंद्र यस अर्थार्थी का ध्रुव महाराज यस जिज्ञासु शौनक आदि ऋषि ऐसे एक ही उदाहरण नहीं है अनेक उदाहरण हो सकते हैं इसके पर जो जिज्ञासा करते हैं और फिर जो ज्ञानी है वो चतुष्कुमार बहुत अच्छा ये कहाँ उदाहरण दिए किसको बताइए चार उदाहरण प्रधान रूप से ये भक्त सामंत सिंधु में कैसे है जो हमारे गोस्वामी आचार्य है उन्होंने डायरेक्टली भगवद्गीता पर कोई कॉमेंट्री लिखी नहीं है पर भगवद्गीता का उल्लेख कई बार वो करते हैं हमारे संप्रदाय में पहली बार भगवद्गीता पे कमेंट्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी थी तो हमारे उसके पहले जो आचार्य थे वो सब कृष्ण लीला और कृष्ण तत्व पे अधिकांश ग्रंथ लिखे थे उन्होंने पर चक्रवर्ती पाद फिर बलदेव विद्याभूषण उन्होंने भगवद्गीता पे काफी ग्रंथ काफी लिखा है प्रभुपाद जी हमारे संप्रदाय में पहले आचार्य है जिन्होंने भगवद्गीता को केंद्र बनाया अपने प्रचार का सेंटर बनाया है क्योंकि भगवद्गीता सबके लिए अधिकांश काफी हद तक रेलिवेंट है उसका महत्व है उसका तो अभी जब हम कहीं आते हैं भक्तों के संग में आते हैं तो सामाजिक कारण के कारण आप ऐसे सर्कल इन्वेजन कर सकते कृष्णा का एक सर्कल है और चार दिशाओं से हम कृष्ण की ओर आ सकते हैं एक है सांस्कृतिक कल्चरल दूसरा है सोशल सामाजिक तीसरा है फिलोसॉफिकल तत्व ज्ञान के कारण और चौथा है साइकोलॉजिकल कि मानसिक कारणों से
मानसिक मतलब भावनात्मक भी हो सकते हैं। तो अभी मान मैं चारों का वर्णन नहीं विश्लेषण नहीं करूंगा, पर एक का विश्लेषण सब पे अप्लाई हो सकता है। और ऐसे नहीं कि ये चार ही कैटेगरीज हैं, ये हम इसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, पर ये चार प्रधान विभाग हम कह सकते हैं जिसके कारण कोई भगवान के पास आता है। तो मान लीजिए हम देखते हैं सामाजिक कारण है। सामाजिक मतलब कई बार ऐसे होता है कि खास करके जब मैं भी साल में लगभग 7-8 घंटे भारत से बाहर रहता, 7-8 महीने भारत से बाहर रहता हूँ, तो बहुत से लोग जो मंदिर में आते हैं, सत्संग में आते हैं, वे इसलिए आते हैं कि वो उनको कभी अकेलापन होता है क्योंकि परदेश में है। और अगर आप पाश्चात्य देश में कहीं जाते हो, खास करके अमेरिका में, यूके में इतना नहीं है, अमेरिका या कनाडा में जाते हो, ये बहुत बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा देश है, और यद्यपि शहर काफ़ी उसमें क्राउडेड है, पर फिर भी थोड़ा सा शहरों से बाहर चले जाएंगे तो इतनी सारी जगह है कि लोगों को बहुत आसानी से अकेलापन महसूस हो जाता है। और केवल जगह ही इतनी नहीं है, पर उसके साथ साथ क्या है कि लोग भी बहुत एक तरह से प्राइवेट रहते हैं, तो लोग एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते। तो मान लीजिए इसके कारण लोगों को कुछ संग नहीं मिल रहा है, और फिर वो अध्यात्म के कोई मंदिर में आते हैं, कोई सत्संग में आते हैं, और फिर इस समय क्या होता है, हमको लगता है कि हो भक्त इतने अच्छे हैं, भक्त इतने अच्छे हैं, इसीलिए मुझे भक्तों का संग करना है। तो कोई हमसे भक्त हमसे बातचीत करते हैं, अच्छे से कैसे हो आप, क्या हो रहा है आपके जीवन में, कुछ है तो मार्गदर्शन देते हैं। तो कई बार हम सामाजिक कारण से भक्तों के संग में आते हैं। और जब ये इस प्रकार से चार कारण हम बता रहे हैं, आई होप इंग्लिश इज ओके, तो सांस्कृतिक, सामाजिक, तत्वज्ञानिक और मानसिक, तो अलग अलग कारण हो सकते हैं जिससे कि हम भगवान के पास आते हैं। जब इस तरह से हम आते हैं तो फिर कोई ऐसी चीज होती है जो हमें भगवान का आश्रय प्रदान करती है। अभी सांस्कृति का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को कीर्तन अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मंदिर में विग्रह अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को श्लोक रिसाइटेशन बहुत अच्छा लगता है। और जब वो ये ऐसी कार्य हो रहा है यहाँ पे, देखते हैं बहुत अच्छा है, मुझे भी ये करना है, और फिर वह कार्य में उनको एक प्रकार का आश्रय मिलता है। कोई तत्वज्ञान के कारण आते हैं, मतलब ऐसे लोग हैं कि उनको पहले से कुछ सवाल थे, जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी जब ऐसे सवाल आते हैं, किसी को अच्छे जवाब मिलते हैं, अच्छा आती तत्वज्ञान के आधार पर मैं यहाँ पे भक्ति करने लग सके। या फिर कुछ लोग होते हैं, अभी सामाजिक और मानसिक एक तरह से समान, सॉरी सामाजिक और मानसिक तरह समान है, पर मानसिक मतलब क्या, कुछ लोगों को यहाँ पे अच्छा संग चाहिए, यहाँ पे क्या है, कुछ लोग बहुत इमोशनली नीडी होते हैं, उनको कोई भी समस्या आ जाएगी किसी से बात करना है, और बहुत उनको अनवाइंड करना है, अनलोड करना है, और अगर कोई नहीं होता है तो फिर वो बिल्कुल उब जाते हैं, बिल्कुल मायूस जाते हैं। तो अभी ये भी कारण हो सकता है कि कोई हम आते हैं भक्तों के संग में, भक्त हमारी बात सुनते हैं, और फिर हमारी भावनात्मक तौर पे जो हमको केयर करना चाहिए वो ज़रूरत पूरी होती है हमारी। अभी क्या है, हमारे भक्ति में जो चीज़ हमें कृष्ण का आश्रय प्रदान करता है, वह कभी कभी कृष्ण के जगह पे हमारा आश्रय बन जाता है। द वेरी थिंग दैट गिव्स अस शेल्टर ऑफ कृष्ण कैन बिकम आवर शेल्टर इंस्टेड ऑफ कृष्ण। मतलब मान लीजिए कभी भक्तों के संग में आता है, और भक्तों का संग बहुत अच्छा लगता है, हमको लगता है कि अरे भक्त इतने अच्छे हैं, और हम भक्तों के संग में रहते हैं इसलिए कि भक्त इतने अच्छे हैं। पर क्या होगा, अगर यही भाव रहेगा तो हम भक्त इतने अच्छे हैं इस भाव से भक्तों के संग में रहते हैं, पर कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, हमको ऐसे भक्त मिलेंगे जो इतने अच्छे नहीं है, जो कभी कभी ऐसा कार्य कर सकते हैं कि
उनको लगे कोई भक्त ऐसे कार्य कैसे कर सकता है। तो क्या है, ये सब जो है चार मार्ग हम कह सकते हैं, तो कभी कभी इस पे ही हमारा यही हमारा आश्रय बन जाता है। और अगर यह आश्रय बन जाता है तो क्या होता है, ये ऐसे जगह है कि इन ऐसे किसी के भी नीचे एक भूकंप हो सकता है। मैं वेलिंगटन में था, मैं लेक्चर दे रहा था और अचानक सब लोग हिलने लग गए। फिर मुझे लगा मैं भी हिल रहा हूँ, क्या हो गया, मैं आश्चर्य भूकंप आ रहा है। और सब बड़े शांति से बैठे थे, भूकंप आ गए सभी तो शांत कैसे, नहीं वो बोले हफ्ते में एक दो बार भूकंप आते हैं। पर वो बहुत छोटे भूकंप होते हैं, कई बार नोटिस भी नहीं होता है उसको। पर कभी कभी नोटिस हो जाता है, पर बहुत रेयरली बहुत तीव्र भूकंप आते हैं। पर क्या होता है, जब हमको किसी का अनुभव नहीं भूकंप का, तो भूकंप मतलब एकदम डर जाते हैं हम सब। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और वहां पे पीछे भूकंप आ गया, तो मुझे दिखेगा पर मैं उतना विचलित नहीं होगा। पर मैं जहाँ पे बैठा और यहाँ पे भूकंप आ गया तो क्या होगा, मैं आई विल बी शेकन, मैं विचलित हो जाऊंगा उसके कारण। तो वैसे ही क्या होता है कि किसी का प्रधान आश्रय है क्या है, तत्व ज्ञान, शास्त्रों का पठन करना, शास्त्रों का वेदांत वाक्य सदैव रमंत। तो और फिर कभी कभी भक्तों का बर्ताव बहुत खराब हो जाता है, तो उसको सबको बुरा लगेगा वो, पर उनका प्रधान आश्रय तत्व ज्ञान है तो फिर कोई भक्त कुछ बुरा कार्य कर बैठता है, या कोई भक्त मान लीजिए कोई वरिष्ठ भक्त है, भक्त छोड़ के चला जाता है, आश्रम छोड़ के चला जाता है, तो उससे सब विचलित हो गए। पर अगर किसी का आश्रय तत्व ज्ञान है तो उससे उतना विचलित नहीं हो गए व्यक्ति। पर जिनका आश्रय यही है कि भक्त इतने अच्छे होते हैं, और फिर अगर भक्तों में कोई ऐसा अनुचित आचार हो जाता है भक्तों से, तो फिर क्या हो गया, मान लीजिए उनके वो नीचे ही भूकंप हो रहा है, फिर उससे बहुत विचलित हो जाता है व्यक्ति। और उस समय जब ऐसे होता है तो अगर अगर हमारा जो सामाजिक जो है वही हमारा आश्रय है, तो फिर ऐसे होगा कि तभी जब वहाँ पे भूकंप होता है, या तो हम उस भूकंप के कारण बाहर फेंके जाएंगे या अंदर फेंके जाएंगे। अंदर मतलब हम उसके परे जाकर कृष्ण का आश्रय लेंगे। ठीक है, कभी कभी भक्त अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, फिर भी मैं भगवान कृष्ण का आश्रय लूंगा। या फिर कई बार क्या होगा, उससे हम बाहर फेंके जाएंगे, बोलेंगे ये लोग खुद को भक्त कहते हैं पर ऐसा बर्ताव करते हैं, इससे तो अभक्त और अच्छा बर्ताव करते हैं। हाँ, अरे भक्तों के संग में क्यों रहो ऐसे। किसी को ऐसे कभी लगा है कि भक्तों से ज्यादा अच्छा बर्ताव कभी अभक्त करते हैं, किसी को लगा है ऐसे? कुछ साल तक हम रहे कि सबको ऐसा लगता। आपको एक चीज होता है कि हम अभक्तों को इतना करीब से नहीं देखते जितना भक्तों को देखते हैं। पर कभी कभी हो सकता है ऐसे कि कोई भी उसका कारण विश्लेषण कर सकते थोड़ा बहुत बाद में, पर जब ऐसा भूकंप आता है तो वो कृष्ण ही एक ऐसा तत्व है जिनके नीचे कभी कोई भूकंप नहीं आएगा। कि अगर हम किसी चीज से विचलित हो रहे हैं तो उसका वो मतलब है कि हम उस चीज से आश्रित हैं। What disturbs us most reveals what shelters us the most. जो चीज हमको सबसे ज्यादा विचलित करता है उससे हम पता चलता है कि हम किस चीज का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। तो भी कोई बोले भक्तों के संग का आश्रय ग्रहण करना अच्छा है, हाँ वो तो जरूरी है, एक तरह से जरूरी है। पर फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है हमारे जीवन में कि जब हमें भक्तों के संग में भी कभी कभी अकेलापन महसूस होगा। अकेलापन जो होता है अलग अलग पद्धति से होता है। मैं अमेरिका में था फिनिक्स में, और वहाँ पर मैंने एक सेमिनार गया था ओवरकमिंग लोनलीनेस, अकेलेपन के परे कैसे जाए। तो फिर कई भक्तों ने मुझे मैसेज किया कि ये आप टॉपिक मत रखो। मैं बोला बहुत से लोगों को अकेलापन महसूस होता है, क्यों नहीं रखे? बोले कि हाँ, पर क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे बोलता है कि मैं अकेलापन के परे कैसे ऐसे सेमिनार के लिए आ रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है, उसके सारे जो दोस्त है उनकी निंदा कर रहा है कि कोई भी अपने फेसबुक पे बोल नहीं सके कि मैं ओवरकमिंग लोनलीनेस के सेमिनार के लिए गया। मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब हम सब आपके दोस्त हैं, फिर भी तुम अकेलापन महसूस करते हो। फिर वो बोले फिर क्या कहे, फिर हमने चेंज कर दिया कि नरिशिंग रिच रिलेशनशिप्स। कि अच्छे संबंध कैसे बनाए, तो फिर बहुत से भक्त सुविधा को आगे बांधते हैं। तो क्या है, अकेलापन अलग अलग पद्धति से होता है।
हम शायद अकेलापन मतलब कैसे कि कोई कोई मान लीजिए कोई मूवीज में या कोई नॉवल नॉवल में आपने पढ़ा होगा कि कोई कोई जहाज में जा रहा है और जहाज टूट जाता है और वो अकेले एक आइलैंड ना द्वीप पे फंस जाता है और वहां पे बिल्कुल अकेला है। तो एक तरह से एक तरह का अकेलापन ये होता है कि हमारे साथ कोई भी व्यक्ति है नहीं। पर दूसरे प्रकार का अकेलापन ऐसा होता है कि जब हमारे और सब ऐसे व्यक्ति है पर जो हमको समझते नहीं है। द मोस्ट पेनफुल लोनलीनेस इज व्हेन वी आर सराउंडेड बाय पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड अस। तो जिनसे हम हमारे हृदय का बोझा कम नहीं कर सकते। जब ऐसे और कई बार ऐसे हो जाता है और खास करके जो है ये अभी अकेलापन का जो बोझा है ये कुछ कुछ हद से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव हाई स्टैंडर्ड्स, ऐसे धार्मिक संस्था है जहाँ पे बहुत हाई स्टैंडर्ड होते हैं उसमें ये अकेलापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है सब भक्त जो होते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने में कभी कोई समस्या हो जाती है। पर क्या है वो उससे हम सबके हृदय में एक तरह से दुख होता है, ग्लानि होती है, शर्म होती है, भय होता है। पर अगर वो बोलेंगे तो फिर क्या होगा, हमको लगता है कि भक्त मेरे को क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये ठुकरा देंगे। तो इसीलिए एक तरह से हृदय में बोझा है पर मुझे कोई समझेगा या नहीं ये इसका भय भी है, इसीलिए हम बोल नहीं सकते। या हमारे कुछ एक प्रकार की विचारधारा है और बाकी सब भक्तों की बिल्कुल अलग विचारधारा है, तो फिर क्या होता है एकदम अकेलापन हो जाता है, हम किसी को बोल नहीं सकते। और जब ऐसे हो जाता है तो तभी हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं महाभारत में एक तरह से ऐसे ही हुआ द्रौपदी के साथ। द्रौपदी के 5 पति थे पर एक ऐसी परिस्थिति आ गई उसके जीवन में, वो कुरु दरबार में असत सभायाम, कि जब उनमें से एक भी पति उसकी मदद नहीं, उसकी संरक्षण नहीं कर सकते थे। और तब अभी अपेक्षा कर रही थी, इतना इतना उसके प्रति अत्याचार हो रहा है, इतना अपमान हो रहा है, पर कोई भी रोक नहीं पा रहा है। और जब ऐसे हो रहा था तो वो तो एक बहुत बड़ा भूकंप है उसके जीवन में। पर वो केवल वो पहले अपेक्षा से अपने पतियों की ओर देख रही थी, पांडवों की ओर देख रही थी, पर जब उन्होंने देखा कि वो उनसे कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या किया उसने, उनकी ओर देखना छोड़ दिया और भगवान को पुकार लिया। मतलब जो यहाँ पे भूकंप हो गया वो सामाजिक के उसमें कि भूकंप हो गया तो फिर वो एक तरह से क्रोधित तो हो गई थी पर क्रोधित होकर वो हताश नहीं हो गई। वह ये सब मिथ्याचारी लोग है, कोई धर्म खुद को इतने पर धर्माचीन बोलते हैं पर कोई धर्म का संरक्षण नहीं कर रहा है, ऐसे बोल के हताश नहीं हो गई। तो जब ऐसा भूकंप आ गया तो उन्होंने भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है, नॉर्मली एसोसिएशन इज द वे टू कृष्णा बट समटाइम्स वी हैव टू गो बियॉन्ड एसोसिएशन टू गो टू कृष्णा। हमेशा के लिए नहीं है, ऐसे किसी को नहीं सोचा जाए कि सब भक्त गलत है मैं सही हूं और मुझे कोई भक्त के साथ बात माना नहीं है। पर कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि जब हम अकेले हो जाएंगे, और जब ऐसे हो जाएगा तो शायद कभी हम गलत हो सकते हैं, कभी दूसरे लोग गलत हो सकते हैं। जब भी कोई मतभेद होता है तो कहते हैं कि हर कहानी के कितने पहलू होते हैं, कोई एक व्यक्ति बताता है कि ऐसा हुआ, फिर दूसरा व्यक्ति आगे बताता है ऐसा हुआ, तो हर कहानी के कितने पहलू होते हैं, दो नहीं तीन होते हैं, माय साइड योर साइड एंड द राइट साइड, मेरा पहलू आपका पहलू और कह सकते हैं सही पहलू। तो क्या है ऐसे जानबूझ के नहीं है पर कई बार जब हम कुछ बोलते हैं तो जो हमारी गलती है शायद हम बताएंगे भी पर उसको थोड़ा कम करके बता देंगे और दूसरे की गलती है उसको और बढ़ा के बता देंगे। ये कभी कभी हम जानबूझ के करते हैं, कभी कभी अनजाने में हो जाता है ये, कभी कभी तो ये एक तरह से एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, एक मानसिक स्तर पे हम खुद की जो संकल्पना है उसका संरक्षण कर रहे होते। तो ऑफकोर्स कभी कभी इसके विपरीत हो जाता है कि सारा दोष कभी खुद को ही दे देते हैं, वो भी हो सकता है।
पर यहाँ पे क्या है कि जब इस तरह से एक घटना हो जाती है कि हमारी बात कोई समझता ही नहीं है, मान लीजिए कि शायद हम सही है, बाकी सब लोग सही इस बात समझ भी नहीं आ रहे, तभी भी हमें आगे बढ़ना है और भगवान का आशय ग्रहण करना है। एक तरह से जब प्रभुपाद जी जब पहले अमेरिका गए तो बिल्कुल अकेले हो गए थे, क्योंकि उनके सारे जो उनके सारे जो गुरु भाई थे, कोई भी जो उनकी इतनी तीव्र उत्कंठा थी कि प्रचार करे वह समझ ही नहीं पा रहे थे। और अधिकांश कुछ गुरु भाइयों ने उनसे कहा कि तुम अभी तक तो गृहस्थ आश्रम में रहे हो, तुम पहले हमारे आश्रम में आके रहो, आश्रम का प्रशिक्षण लो और फिर हम जांच करेंगे, और अगर आप तत्पर हो गए तो फिर हम आपको अमेरिका भेजेंगे। तो प्रभुपाद जी सोचने लगे ये सारा करते करते जिंदगी चला जाएगा, तो वो बोले कि मुझे ये नहीं करना है। फिर उनके एक गुरु भाई थे कि जो महाराज से बात हुई तो वो बोले कि हाँ जरूर आपको प्रचार करना चाहिए, प्रचार करने के आपको संन्यास लेना चाहिए। तो वो उनके उनको संन्यास लेने के लिए उत्साहित थे, पर उन्होंने भी उनको कुछ मदद नहीं की कि आप अमेरिका जा सको। जब प्रभुपाद को प्रचार करने जाना था तो अकेले ही थे। और यहाँ तक कि अभी उस समय अगर हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद जी जो जहाज से गए उसका नाम क्या था, जलदूत था। तो जलदूत से जब गए तो वहीं पे कहाँ से निकले वो, कलकत्ता से। और गौड़िया मठ का हेडक्वार्टर्स कहाँ था, कलकत्ता में था। पर जब प्रभुपाद जा रहे थे गौड़िया मठ से एक भी भक्त नहीं आया सी ऑफ करने के लिए, एक भी भक्त नहीं आया। और केवल उनका चार पांच लोग थे, एक तो उनका एक बेटा था और दो तीन ऐसे लोग थे जो उनके पहचान के थे, बहुत तो घनिष्ठ मित्र भी नहीं थे। तो अब जब प्रभुपाद जी 69 साल के थे, 69 साल के मतलब 22 साल के थे जब उनका परिचय गौड़िया मठ से हुआ था, और उसके बाद में अलग अलग जगह पे अलग अलग उन्होंने सेवाएं की थी, पर कोई भी उनको साथ ले जाने के लिए नहीं आया था को भेजने के लिए। तो और उतना ही नहीं, एक तरह से सी ऑफ करने के लिए कोई नहीं आया वो एक बात कह सकते हैं, पर उससे बड़ी बात ये थी कि वास्तव में किसी ने उनको सपोर्ट भी नहीं किया। जब अमेरिका में थे कई बार उन्होंने कुछ छोटी सी मदद मांगी फिर भी मदद नहीं मिल रही थी उनको। तो क्या है, जब वो प्रचार करने गए थे तो एक तरह से प्रभुपाद जी को कृष्ण के लिए कृष्ण के भक्तों का संघ छोड़ के जाना पड़ा था। अगर वो उनका केंद्र भक्तों का संघ ही होता तो फिर भारत छोड़ के जा नहीं सकते थे, वहां पर कोई संघ था ही नहीं। प्रभुपाद जी 1967 में एक लेक्चर देते हैं, प्रभुपाद जी अमेरिका में कब गए, 65, और इस्कॉन कब स्थापन किया उन्होंने, 66 के एंड में एक लेक्चर है, वो कहते हैं कि ये एक संस्था भारत से है और संस्था में मैं अकेला भारतीय हूँ। तो क्या था, प्रभुपाद जी बिल्कुल अकेले थे तभी तक। और प्रभुपाद जी एक तरह से जब उस समय जो भारतीय, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा मैं अभी, जो भारतीय आते थे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारतीय जब आते हैं हमारे मंदिर में दो ही काम करते, देखिए दे मे गिव कंप्लेंट्स एंड गिव सजेशंस। वो शिकायत करते हैं और सुझाव देते, कुछ सेवा करते नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल करते नहीं है। वो मंदिर में आगे मंदिर के ऊपर ऐसे मंदिर के विग्रह जो है ये ईस्ट में नहीं है, ये ऐसे इसके ऊपर कोई टावर नहीं है, कुछ शिखर नहीं, शिखर नहीं है, ये नहीं है। और एक तो कॉमन करते थे कि मंदिर में घंटी क्यों नहीं है, वो तो सबको बहुत कॉमन लगती है, मंदिर होना चाहिए घंटी होना चाहिए। तो अंदर विग्रह कौन से है ये महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, विग्रह घंटी है कि नहीं महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे होता तो क्या है, प्रभुपाद जी को एक तरह से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। पर क्या है, क्योंकि वो कृष्ण में आश्रित थे इसीलिए भले ही उनको वो सामाजिक स्तर पर एक तरह से उनको कुछ भी आश्रय नहीं मिला, पर वो उससे निराश्रित नहीं हुए। तो अभी जो भारतीय लोग आ रहे थे जो शिकायत करते रहे ऐसा नहीं है मंदिर में, वैसा नहीं है मंदिर में, तो एक तरह से वो क्या कर रहे थे, वो सांस्कृतिक पथ से आ रहे थे। तो वो क्या सोचे कि हमको हमारी भारतीय संस्कृति है और हमको ये संस्कृति का अभी वापस अनुशीलन, कुछ अनुशीलन यहाँ पे करना है, संस्कृति को आगे रखना है। और वो देखते थे कि उनके संस्कृति के अनुसार अगर कुछ नहीं है तो वो बड़ा विचलित हो जाते थे। तो उनकी दृष्टि से क्या है,
वो भगवान के लिए आ रहे पर भगवान के लिए ही नहीं आ रहे, वो संस्कृति के लिए आ रहे। अभी संस्कृति महत्वपूर्ण है पर संस्कृति का भी एक उद्देश्य, और वो उद्देश्य है कि हमें भगवान का आश्रय ग्रहण करना है। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो सांस्कृतिक रूप से हम कोई जिस प्रकार की संस्कृति होती है तो उससे भगवान का आश्रय ग्रहण करने में मदद हो सकती है, पर कभी कभी ऐसे हो सकता है कि भाई सांस्कृतिक चीज़ें जो है वह हमको भगवान के आश्रय में एक व्यत्यय ला सकती है। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो उनके एक उनको एक कॉन्टैक्ट हो गया एक बहुत रईस व्यक्ति से, पदमपत सिंघानिया, और वे उनकी इच्छा थी कि अमेरिका में मंदिर बनाए। और प्रभुपाद जी से बात चल रही थी कि और वो बोले कि हम पैसे भेजेंगे और हम मंदिर बनाएंगे। पर क्या हुआ था उस समय भारतीय सरकार फॉरेन एक्सचेंज पे बहुत रेगुलेशन रख रही थी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि भारत से पैसा बाहर न जाए। हर देश का ये भाव होता है कि इच्छा होती है कि हमारे देश में पैसा है पर हमारे देश से पैसा बाहर न जाए। जब भी अभी अमेरिका जैसे देशों में इमिग्रेशन अगर किसी को करना है, वहाँ पर जाना है, नौकरी करनी है, तो उनको बहुत चिंता रहती है कि हमारे देश में आके दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा अपने देश में लेके जा रहे हैं। तो अमेरिका में अभी इंडियन और चाइनीज ये जो है दे आर कंसिडर द वेल्दीएस्ट माइनॉरिटीज, भारतीय और चीन जो है वह सबसे रईस माइनॉरिटी, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक ये बहुत रईस है। तो क्या होता है दोनों के प्रति थोड़ा एक तरह से घृणा होती है, रिजेंटमेंट होता है कि मैं लाचुआ में था, एक भक्त के घर में था, और उनके अमेरिका में साधारणतः आप किसी को अपना घर साफ करने के लिए या बर्तन मांजने के लिए किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है किसी भी काम के लिए आपको एक मिनिमम लेबर देना पड़ता है, तो लगभग किसी को $12 या $15 होता है एक घंटे का। $15 मतलब कितना, ₹900 हाँ, 900 या 1000 रुपये। तो मतलब किसी को एक घंटे का काम करवाना है उससे आपको ₹1000 पैसा देना पड़ता है। तो शायद एक घंटे में वो झाड़ू भी क्यों ना कर रहा हो, एक घंटे झाड़ू कर उसको ₹1000 देने पड़ेगा आपको। और खास करके ऐसे देशों में ऐसे अभी हो गया है कोई प्लम्बर है वो PhD से ज़्यादा कमाता है। मैं एक बक्के घर में था, ऑस्ट्रेलिया में था, और वो पति पत्नी दोनों नौकरी करते, सुबह चले जाते थे, मैं उनके घर में रहता था। और तो उस दिन वो दोनों वो प्रभु जी घर में थे, बोले क्या आज आप नौकरी नहीं गए? नहीं, आज प्लम्बर आने वाला है हमारा। तो आप जॉब को नहीं गए? नहीं, हाँ वो प्लम्बर ने 10:30 का अपॉइंटमेंट दिया है। फिर आपने ऑफिस क्या बताया? ऑफिस में कैसे, ऑफिस में मैंने बताया कि प्लम्बर का अपॉइंटमेंट है, वो बॉस भी मान गया। तो ये कहने का उद्देश्य बताया था कि क्या मैं एक भक्त के घर में था और वहां पे एक माता जी थी, अमेरिकन माता जी थी, वो वहाँ पे कुछ ऐसे काफ़ी रईस भक्त थे, वो झाड़ू पोछा कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे परिचय कराया कि वो जो माता जी थी वो प्रभुपाद जी की डिसाइपल थी, और वो प्रभुपाद जी की डिसाइपल इनके घर में, और ये हमारे प्रभुपाद जी के ग्रैंड डिसाइपल थे, तो उनके घर में वो एक मेड के जमाने से काम कर रही थी। तो मुझे थोड़ा कल्चरली तो शॉक हो गया। तो फिर वो भक्त मुझे बता रहे थे कि क्या हुआ है कि कई बार जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो पहले वो उन्हें वो कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे थे या पढ़ाई करते छोड़ दिया उन्होंने, ज्वाइन कर लिया, और फिर अभी उनको अगर उनको खुद को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है तो अच्छी नौकरी उनको मिलती नहीं है। वो बोले देखिए अगर वो हमारे यहाँ पे काम करेंगे तो फिर हम उनको वी कैन केयर फॉर देम, और कहीं और काम करेंगे तो उनको जो भी कहेगा वो बिल्कुल ऐसे क्या होता है वो पैसा तो देगा, मिनिमम लेबर देना ही पड़ता है, पर बाकी कुछ सपोर्ट देगा नहीं। तो इसीलिए वो बोले थे कि हमको भी मुश्किल है कैसे, हाउ कैन यू टेक सर्विस फ्रॉम अ प्रभुपाद डिसाइपल। बट क्या है वहाँ पे उस परिस्थिति में उनके लिए वही सबसे ज़्यादा अनुकूल था, अदरवाइज वो करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे वो।
तो वो थोड़ा स्लो भी काम कर लेंगे तो क्या है, वो प्रभुपाद जी के शिष्य मान जाएंगे, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता था, ऑफकोर्स अच्छे से काम कर रहे थे। तो क्या है, हम हमारे सबके कुछ सांस्कृतिक अपेक्षाएं होती है कि कैसे चीजें होनी चाहिए, और वैसे अगर नहीं होती है तो अगर हमारा प्रधान आश्रय सांस्कृतिक पद्धति से आ रहा है तो उससे बहुत विचित्र हो जाते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों हो रहा है। और कई बार क्या होता है, अगर शायद आपका यहाँ पे भी होता होगा, मैं जब पुणे में था तो एक भक्त आते थे रोज सुबह दर्शन को आते थे, और जैसे ही दर्शन हो जाता था 7:15 बजे का दर्शन, दर्शन का आरती खत्म हो गया और उनका शिकायत का कीर्तन चालू हो जाता, ये आपने माला बराबर पहना ही नहीं है, ये जो है ये ऑर्नामेंट ही अच्छा नहीं है, ये जो है फ्लावर का गार्लैंड ऐसे है, ये जो है ये मोर पंख है ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगा है, और रोज कोई ना कोई दोष निकालते थे। तो मान लीजिए वो आते नहीं थे दर्शन लेने के लिए, पर दोष निकालने के लिए ऐसा लगता था, और फिर बाकी सब भक्त उनसे उब जाते थे, ये क्या है, ये रोज क्या दोष निकालना है। और कोई ऐसे बड़ा दोष भी नहीं होता, छोटा दोष होता, कि कुछ ऐसे दोष होते हैं जो करेक्ट करने के लिए जरूरी होते हैं, कुछ ऐसे होते दोष होता है, कुछ लोग दोष निकालते हैं इसलिए कि उनको लगता है कि दोष निकालने से वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो कितना एक्सपर्ट है, वो कितने एक्सपर्ट है, कितने ज्ञानी है, कितने दक्ष है। तो कई बार क्या होता है कि जब रिश्ते होते हैं, इसके बारे में शायद चर्चा करूँ थोड़ा बहुत, आई जस्ट मेंशन ब्रीफली, कि जब दो लोगों में झगड़े होते हैं तो मैं निरीक्षण किया कि कब ऐसे होता है, कभी कैसे लगता है कि दो लोग बहुत अलग हो गए, का स्वभाव अलग है, विचारधारा अलग है, तो उनके झगड़े होते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग बहुत अलग स्वभाव के होते हैं पर उनकी मैत्री बहुत अच्छी होती है, और दो लोग बहुत समान होते हैं पर एक चीज़ में फर्क आ जाएगा, उससे मान लीजिए उनमें एक तांडव हो जाता है। तो कब रिश्ते, कब, वेन डू डिफरेंसेस टीयर पीपल अपार्ट, तो कब मतभेद के कारण व्यक्ति का रिश्ता टूट जाता है या बहुत उसमें तूफान आता है, कि डिफरेंसेस डोंट टीयर पीपल अपार्ट, व्हेन डिफरेंसेस आर यूज्ड टू क्लेम मॉरल सुपीरियोरिटी ओवर अदर्स, दैट्स व्हेन डिफरेंसेस टीयर पीपल अपार्ट। कि मैं ऐसा करता हूं तुम ऐसे करते हो, अगर दोनों अलग अलग करते हैं ठीक है मान जाइए, पर जब मैं ऐसे करता हूं तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो इसीलिए तुम मुझसे नीचे हो और मैं तुमसे ऊंचा हूं, जब वो मतभेद के कारण, भेद के कारण कोई खुद को ऊंचा मानता है और दूसरे को नीचा दिखाता है। सो व्हेन डिफरेंसेस आर यूज्ड टू क्लेम मॉरल सुपीरियरिटी ओवर अदर्स, दैट्स व्हेन डिफरेंसेस पुल पीपल अपार्ट। तो भगवान का डेकोरेट करने की अलग अलग पद्धतियां हो सकती है, ठीक है, एक भक्त एक तरह से करते, दूसरे भक्त दूसरे तरह से करते, पर अगर कोई भक्त सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं यही सही है और तुम जो कर रहे हो गलत है, तो फिर उससे जो झगड़े होते हैं उससे क्या होता है कि न केवल हम क्या कर रहे हैं उस पर भेद हो रहा है, पर क्या कर रहे हैं उसके द्वारा वो कौन कर रहा है उस पर आक्रमण हो रहा है कि तुम गलत हो, और फिर वह जब होता है तब सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सांस्कृतिक भी, खास करके कई भक्त ऐसे होते हैं जो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कि भारत में भी अगर आप जाएंगे अलग अलग मंदिरों में, हर एक मंदिर की एक तरह से अपनी संस्कृति होती है, एक मूड होता है, संस्कृति मूड कह सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो फिर जो भाव है वह उसको उस प्रभुपाद जी भी कोट करते थे कि कहा था डू इन रोम एज रोमन्स डू, कि हर जगह का जैसे भाव है उसके अनुसार आप कार्य करो, पर अगर आप ऐसे नहीं करते हैं अरे ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, और फिर क्या होता है उससे बहुत समस्या आ जाती है, उससे जो व्यक्ति है वह आगे बढ़ नहीं सकता है। तो हमको संस्कृति महत्वपूर्ण है, पर अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीज़ें हो सकती है, पर जब ये सांस्कृतिक के द्वारा ही कोई भगवान का आश्रय ले रहा है तो संस्कृति में कुछ अलग हो जाएगा, तो क्या होता है उसको लगता है कि ये यहाँ पे भगवान है ही नहीं, यहाँ पे भगवान हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये जो है ये संस्कृति जैसे ऐसी है वैसे नहीं कर रहे। तो उसी तरह से तत्व ज्ञान के स्तर पर हो सकता है। अभी तत्वज्ञान के स्तर पे मतलब क्या है कि कुछ लोग खास, उनका प्रधान जो आश्रय होता है वह शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसमें रमण करना, और फिर जब ऐसे होता है
तो अगर तत्वज्ञान के स्तर पे कुछ भ्रम आ गया, कुछ समस्या आ गई, तो फिर वो सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं जब भक्ति में आया, मैं अधिकांश इस मार्ग से आया था। तो जब मैं पहली बार भक्तों के संग में आया था, तो फिर मैंने 2-3 किताबें पढ़े और फिर मैं भक्तों से मिलने आया था। उन्होंने कहा कि अभी अभी कुछ राधेश्याम प्रभु के साथ मुंबई जा रहा था, राधेश्याम प्रभु से कहा प्रभु जी मेरे कुछ सवाल है। तो फिर हाँ बोले पूछे, तो मेरे पास तभी 11 फुल्स के पेजेस भरे हुए थे सवालों से। तो राधेश्याम प्रभु ने सारे पेजेस देखे, बोले इसमें कई बार बॉम्बे जाना पड़ेगा तुम्हारे साथ। तो फिर वो जो है, मुझे लगभग जो भी सवाल थे सबके जवाब बहुत अच्छे से मिले, मुझे बहुत संतुष्ट था। पर क्या होता है, जैसे 7-8 साल जब मैं भक्ति में था, फिर उसके बाद में कुछ ऐसे सवाल आने लग गए मुझे, जिनका जवाब मुझे कोई दे नहीं पा रहा था। तो अभी सबको ऐसे सवाल आ सकते हैं, और कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं कि जिनका जवाब कोई दे नहीं पा रहा था, या फिर कोई देता था तो वो बिल्कुल अनसेटिस्फाइंग जवाब होता था। सीधे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम इसलिए देते हैं कि देर आर आंसर विच आर गिवन टू ऑफर एक्सप्लेनेशन, एंड देर आर आंसर विच आर गिवन टू एंड डिस्कशन। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जवाब ऐसे देते हैं कि अच्छा ठीक है ये इसका समझ है, और कुछ ऐसे जवाब होते हैं कि उसका वो जवाब इसलिए ज्यादा कि अब ये सवाल तुम पूछो मत, बंद करो ये। ऐसा भाव होता है। तो फिर जब ऐसे होता है तो एक हम सबको एक जो भी सवाल का जवाब नहीं है उसके लिए हम भक्तों के पास एक जवाब है, अचिंत्य। अभी जीव गोस्वामी वास्तव में अचिंत्य वो एक स्पेसिफिक एक परिभाषा के अनुसार चिंत्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर कई बार ऐसे भक्तों को उतना तत्व ज्ञान अगर निपुण नहीं है तो जो भी जवाब नहीं है ये अचिंत्य है। और वो कभी कभी बहुत एग्जास्परेटिंग हो जाता है, बहुत बहुत परेशानी करता है। तो फिर क्या हुआ उस समय, और मुझे कई सवाल आते थे और वो सवाल से मैं डिस्टर्ब होता था कि इसका जवाब नहीं मिल रहा है। और कभी कभी किसी को सवाल पूछता था और उनको वो जवाब तो नहीं देते थे, एंड मैं आई वॉज डिस्टर्ब दैट दे वर नॉट डिस्टर्ब बाई द क्वेश्चन। ये सवाल है, मैं परेशान, तुम परेशान क्यों नहीं हो रहे, क्या फर्क पड़ता है, जब करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय जब ऐसे हुआ तो बाद में कई सालों के बाद समझ में आया कि वास्तव में क्या हो रहा था। जो सब अधिकांश भक्तों का सब हम तत्वज्ञान थोड़ा बहुत सुनते हैं, और बेसिक तत्वज्ञान सबको पता होना चाहिए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आध्यात्मिक जगत है, यहाँ पे आपको जाना है वो। पर क्या उसके बाद तत्वज्ञान की जो जटिलता है उसमें अधिकांश लोगों की रुचि नहीं होती है। तो जिनका आश्रय तत्वज्ञान में नहीं था उनको जो मेरे नीचे भूकंप हो रहा था उनको भूकंप दिख ही नहीं रहा था। तो तुम इतने डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो, तुम डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रहे हो, मुझे ऐसा सवाल था। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे मैं थोड़ा इंटरनेशनल भक्तों से संग में आने लग गया, कभी ट्रैवल नहीं कर रहा था, पर ईमेल से वगैरह कोई भक्त वगैरह आए थे। तो दूसरा कर्मा प्रभु है जो एक साइंटिस्ट है और वो काफ़ी अच्छे भक्त भी है, तो उनके द्वारा ऐसे जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भक्तों में स्कॉलर्स वगैरह है उनके कुछ इंटरनेट फोरम्स है, ऑनलाइन ग्रुप्स है, ई ग्रुप्स है, तो उसका मैं मेम्बर बन गया। और फिर तभी मुझे पता चला कि जो सवाल मुझे है मुझसे ज़्यादा और वरिष्ठ भक्तों को भी है, कुछ ऐसे भी है जो सन्यासी है, गुरु है, और जिनका बहुत आदर है, पर वो भी जो सवाल मुझे है देर वो भी उन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं और उनका जवाब ढूंढ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कुछ वक्त एकदम पैट आंसर देते हैं, रेडी आंसर है वो, पर वो आंसर वो जो जवाब है कुछ लोगों को संतुष्ट करेगा, कुछ लोगों को संतुष्ट नहीं करेगा। तो अभी उस समय क्या हुआ, जब व्हेन आई फेल्ट अंडरस्टूड, क्या हो रहा है कि कभी कभी क्या होता है जब किसी को सवाल आता है तो जब कोई सवाल एक तरह से आता है मतलब संशय है, तो संशय जो है उसको दो पद्धति से हम दे सकते हैं कि डिवोटीज सी डाउट एज अ स्पिरिचुअल वीकनेस, इंटेलेक्चुअल्स सी डाउट एज अ इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ।
कि जो भक्त भक्त है उसमें कुछ संशय है, मतलब क्या है कि अच्छा आपका श्रद्धा कम है इसलिए आपको संशय आ रहा है। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो खास बुद्धिमान नहीं बुद्धिजीवी हम कह सकते हैं, उनमें क्या है कि वो सीधा कोई बात मान नहीं लेंगे। तो अगर एक तरह से वन साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज टू हैव डाउट्स, कि भागवत में भी तीसरे में बताया गया है तत्संशयो विपर्यास, तो संशय करना ये एक बुद्धि का लक्षण है। अब ये कोई एडवर्टाइजमेंट देख लेता है कि आप ये शैम्पू ले लो और आप बड़े आकर्षक बन जाओगे, अभी जिसमें कोई संशय बुद्धि नहीं हो रहा सही में शैम्पू से मैं आकर्षक बन जाऊंगा, पर जिसमें बुद्धि है नहीं ये चीज सत्य नहीं हो सकता है। एक शैम्पू से किसी की पर्सनैलिटी नहीं बदलती है, कोई ऐसे आकर्षक नहीं बनता है। तो क्या है तो संशय करना ये भी एक एक शक्ति है। पर समस्या क्या आती है जब डाउट इज अ साइन ऑफ द इंटेलिजेंस बट डाउट इज नॉट द ओनली साइन ऑफ इंटेलिजेंस। संशय करना ये बुद्धि का लक्षण है, पर संशय ही करते रहना ये कैसे, ये बुद्धि का लक्षण नहीं है। अगर हम बौद्धिक स्तर पर अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी चलाते समय एक है एक्सेलरेटर, जो अमेरिका में सो गैस बोलते हैं, आप गैस पेडल दबाते हैं, एक्सेलरेटर से गाड़ी आगे बढ़ती है और ब्रेक से गाड़ी स्लो हो जाती है, रुक जाती है। तो हमें जब भी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जो श्रद्धा है वो एक एक्सेलरेटर के समान है और जो संशय है वो ब्रेक के समान है। और गाड़ी चलाने के लिए दोनों जरूरी होता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा श्रद्धा कर देते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज़ी जाने लगते हैं और फिर बाद में उनको चलता है क्या ये सही नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये जैसे मैं सोचा था ये शायद भक्ति वैसे नहीं है। तो फिर कभी हमको ये गाड़ी चलाते समय एक्सेलेटर प्रेस करना है, कभी गाड़ी अगर रस्ते से बाहर जा रही है, हम किसी को ठोकर देने वाले हैं या एक्सीडेंट होने वाला है, तो फिर उनको ब्रेक प्रेस करना है। तो दोनों ज़रूरी है, पर कुछ कुछ लोगों में उतनी बौद्धिक क्षमता अगर नहीं होगी तो वो ब्रेक कभी वो उतना ब्रेक को कभी प्रेस नहीं करते। तो जब मुझे लाइक माइंडेड एसोसिएशन मिला जो ऐसे भक्त हैं जिनमें भी बहुत से संशय आते थे, मुझसे ज़्यादा भी संशय थे, मुझसे ज़्यादा वरिष्ठ भक्त हैं, मुझसे ज़्यादा प्रगतिशील भक्त है, पर फिर भी उनमें मुझसे अधिक संशय है, तो कैसे हो गया, तभी क्या आई फेल्ट अंडरस्टूड कि ये कोई ठीक है संशय है, और कुछ भी संशय ऐसे जिंदगी भर हमको उनका सामना करेंगे और कुछ हम सब अपना अपना कुछ सभी एक्सप्लेनेशन कैसे इसका सामना करना है उसका आगे बढ़े। तो उस समय क्या हो गया, ये जो था फिलोसॉफिकल में जब भूकंप हो गया आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के स्तर पर, तो एक्चुअली डायरेक्टली कृष्ण तक नहीं पहुंच पाया पर आई वेंट थ्रू द सोशल वे, मतलब ऐसे भक्तों का संग मिल गया जहां पे थोड़ा भगवान का आश्रय और अनुभव कर सकते, भगवान से कैसे संबंध रुकना है वो हम हो सके। मतलब क्या है, अगर हम एक चीज पे केंद्रित है तो या तो हम डायरेक्टली भगवान में केंद्र करना चाहिए, भगवान के करीब जाना चाहिए, या अगर उसमें भूकंप हो गया तो हमें हमारा जो भगवान से संबंध है वो केवल एक मार्ग से संकुचित नहीं रखना चाहिए। अगर कोई भगवान की पूजा बहुत अच्छे से करता है, विग्रहों की पूजा अच्छे से करता है पर भक्तों की परवाह ही नहीं करता है, तो वो कौन सा स्तर है, कनिष्ठ स्तर है। मतलब क्या है, भगवान की पूजा करने संस्कृति है पर क्या है वही एक मार्ग है उनका और कुछ भक्तों के संग की कीमत है ही नहीं। तो हम सब हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे, और जब भूकंप आते हैं तो फिर ऐसे नहीं है कि भक्ति की विधि काम नहीं कर रही है, हमको लगा कि अरे भक्ति करने से मन की शांति आएगी, सुख आएगा, पर मैं इतना ज़्यादा विचलित हो रहा हूँ कि क्या भक्ति काम नहीं कर रही है, नहीं भक्ति काम कर रही है, पर क्या है भक्ति में अगर हमने कृष्ण के अलावा किसी और चीज़ का आश्रय ग्रहण किया है, कृष्ण संबंधित भी क्यों ना हो पर वो एक तरह से कृष्ण से अभी अलग है, तो फिर वह भूकंप हमें एक तरह से याद दिलाता है कि मुझे कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना है। और अगर हम ये भूकंपों को अच्छे समझ सकते हैं तो फिर उससे हम हमारी भक्ति कम नहीं होगी, हमारी भक्ति आगे और बढ़ेगी और हम भगवान के और करीब जाएंगे। तो सारांश में मैंने अभी चर्चा की किस तरह से हमें खुद को भगवान को केंद्र बनाना है हमारे जीवन में, और कई बार हम अलग अलग पद्धतियों से भगवान के करीब आते हैं, तो जैसे सामाजिक को कारण होते हैं, अच्छा संग चाहिए हमको, या भक्त बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है या सांस्कृतिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, पर जिस भी मार्ग से हम भगवान की ओर आते हैं कभी कभी वही मार्ग या वही जो चीज़ हमें भगवान का आश्रय देती है वही शायद हमारा आश्रय बन सकती है। जब ऐसे हो जाता है
तो भगवान के अलावा कोई भी चीज अगर होगी हमारा आश्रय तो उसके नीचे भूकंप आ सकता है, और जब वो भूकंप आ जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं। तो जो चीज हमें, जिससे हम बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि हमने किस चीज का आश्रय ग्रहण किया है। और जब ऐसे भूकंप होता है तो भक्त के साथ हम, भक्तों से अच्छा संबंध होता है, भक्त अच्छे रखते हैं, पर भक्त कभी बुरा बर्ताव कर लेते हैं। तो अब तभी हमें देखना है कि ये मुझे, मैं बाहर फेंका जाऊंगा अगर मैं इसी को पकड़ने का प्रयास करूंगा, या फिर मैं अंदर फेंका जाऊंगा, मतलब भगवान की ओर करीब आऊंगा। जैसे द्रौपदी उसके पतियों के साथ धर्म का पालन कर रही थी, पर ऐसी परिस्थिति आ गई जब उनके पति उनको धर्म का पालन करने में मदद नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उन्हें खुद भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया। जैसे प्रभुपाद जी ने भी, वो जहाँ जब तक भारत में थे कई बार गौड़िया मठ के साथ वो भक्ति कर रहे, वो गौड़िया मठ के अपने गुरु भाइयों को प्रचार में मदद कर रहे थे, पर जब पर्दे जाना था तो उनको बिल्कुल अकेला जाना पड़ा। अकेलापन मतलब न केवल हम शारीरिक पद से अकेले हैं, पर जब हमें कोई समझता नहीं है तो भी अकेलापन जो होता है वो काफ़ी अधिक, उससे अधिक होता है। और सांस्कृतिक के बारे में हम चर्चा की, कुछ लोग जब कोई सांस्कृतिक पद्धतियाँ होती है, परंपराएं होती है, या कुछ पद्धतियाँ होती है, उसको वो उनको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और अगर वो नहीं हो रहा है तो उनको लगता है कि ये मंदिर बराबर ही नहीं है। पर ऐसे नहीं है कि अलग, संस्कृति का उद्देश्य है कि भगवान का आश्रय ग्रहण करके, थोड़ा बहुत फर्क भी होगा तो उसके परे जाकर हमें भगवान का आश्रय ग्रहण करना। फिर अंत में मैंने बौद्धिक स्तर पे देखा, तत्व ज्ञान के स्तर पे, कि अगर हमको संशय आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये हमारी खुद की एक ज़रूरत है, और जो जो भक्त हमारी ज़रूरत समझ सकते हैं उनके संग में अगर हम रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मतलब किसी भी चीज़ में हमको भूकंप आ गए तो डायरेक्टली हम भगवान का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, या हमारा जो भगवान से संबंध है वो अलग अलग पद्धतियों से हम रखते हैं, ताकि एक में व्यत्यय आ भी गया तो दूसरे मार्गों से हम भगवान के करीब जाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सवाल है? यस ब्रो, एक तो पहला है कि जो मून लैंडिंग का जो है इशू, उसके ऊपर प्रभुपाद भी बोलते हैं कि जो मून पे गए थे वो मून अलग है, वो कुछ तो कुछ तो प्लैनेट है, और एक्चुअल मून जो सन से दूर है। और अभी इंडिया ने भी चंद्रयान 1 भेजा, भी चंद्रयान 2 भेजा। इस सिचुएशन में अगर हमें कोई, तो मेरा भी डाउट है, कोई भी अगर मुझे पूछे तो कुछ सेटिस्फेक्टरी आंसर नहीं मिलता, कि हम बोलते हैं वो मून अलग है, ये मून अलग है, वो क्या समझ में। देखिए ऐसे नहीं है, कई बार ऐसे होता है तो यहाँ पे, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सेकंड दूसरा, जो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स का जो एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक, ठीक है, हम विल टेक वन क्वेश्चन और फिर बाद में हम शायद व्यक्तिगत रूप में बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा, इस पे पूरा एक सेमिनार भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली आई हैव अ पावर पॉइंट ऑफ दिस, शायद बाद में आपको दिखा दूंगा उसके बारे में, पर मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे प्रभुपाद जी ने कुछ वाक्य बताए हैं, जैसे चंद्र पे गए या नहीं, तो कई बार हमारे संस्था में प्रभुपाद जी के सबसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है वो भक्त लेते हैं, और यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया ऐसे कहते, पर प्रभुपाद जी ने क्या है, हर एक विषय पे अलग अलग स्टेटमेंट्स किए हुए, और जो हमारे गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करना, मतलब फॉलो करना मतलब ऐसे एक लाइन नहीं है कि ये लाइन में है तो आप फॉलो करें, नहीं तो आप गलत है, वास्तव में ऐसा ही एक सर्कल है, और सर्कल में अलग अलग पोजीशंस हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, और ये अगर प्रभुपाद जी ने उस विचार की पुष्टि करते हुए एक भी अगर विधान किया है तो फिर वो जो विचार है वो एक्सेप्टेबल है। तो इसमें भी अभी जो चंद्र पे के बारे में प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, मेरे वेबसाइट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट पे पूरा इस पर एक लेख है, पर प्रभुपाद जी ने प्रधान रूप से तीन प्रकार के विधान किए वहाँ पे। एक है कि वे भारत से, पृथ्वी से बाहर गए ही नहीं, पूरा एक तरह से वो एक ढोंग था,
दूसरा है कि वो पृथ्वी से बाहर गए पर किसी और ग्रह पर चले गए, चंद्र पे गए नहीं। तीसरा है कि वे चंद्र पर गए पर चंद्र को वो चंद्र को एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि चंद्र एक्सेस को क्या बोलेंगे हम, चंद्र का अनुभव नहीं कर पाए। गुड, थैंक यू। चंद्र की अनुभूति नहीं कर पाए। तो अभी तीनों प्रकार के स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी के, और प्रभुपाद जी का मेन भाव क्या था वो अगर आप भगवद्गीता के परिचय में प्रभुपाद जी बोलते हैं शुरुआत में कि हमने बहुत प्रयास किया है खुद को चंद्र तक जाने के लिए, पर खुद की चेतना ऊपर उठाने के लिए प्रयास नहीं किया हमने। और भगवद्गीता आपको बताएगी आपकी चेतना कैसे उठा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का मेन भाव क्या था? प्रभुपाद जी का मेन भाव ये था कि ये चंद्र पर जाने से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका मानव जीवन का प्रधान उद्देश्य है कि आप आपकी चेतना का विकास करो, आप चेतना को उठाओ। तो जो भी प्रभुपाद जी ने बताया है उसका जो केंद्र है वह हमें, उसका जो उद्देश्य है वह प्रधान हमको सबके सामने रखना है, और फिर उसके अनुसार हम अलग अलग चीज़ें जो प्रभुपाद जी ने बोली वो देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या शास्त्रों का ये एक सेंट्रल टीचिंग है कि मानव चंद्र पर नहीं आ सकते? नहीं, शास्त्रों का ये सेंट्रल टीचिंग प्रधान सीख नहीं है। शास्त्रों का प्रधान शिक्षा क्या है कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आत्मा को भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवद्धाम की प्राप्ति करनी चाहिए। तो फिर जो शास्त्रों की प्रधान टीचिंग नहीं है, प्रधान शिक्षा नहीं है, उसको हमें कभी प्रधान बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्रभुपाद जी में लिखते हैं भगवद्गीता के 10वें अध्याय में, इंटेलिजेंस मीन्स टू सी थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। बुद्धि मतलब कि हर एक चीज को कितना महत्व देना है वह अच्छी तरह समझना, यह बुद्धि का लक्षण। तो प्रभुपाद भी कुछ लोग कह सकते हैं कि कुछ भक्त भी कह सकते हैं कि मानव जो है कभी चंद्र के वो पूरा चंद्र का जो मिशन था वो पूरा एक तरह से बोगस था, कुछ ऐसे हुआ ही नहीं है। और कुछ उसके लिए कोई कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी के कोई वीडियो दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। अभी हो सकता है वो तो भी हो सकता है, पर कुछ भक्तों से हो सकता है कि ठीक है अगर चंद्र पे भी गए हैं तो भी उससे क्या फर्क पड़ा है। प्रभुपाद जी का कहने का मतलब क्या है प्रधान रूप से कि जब प्रभुपाद जी कहते भी कि हम चंद्र पे नहीं गए तो उनका कहने उद्देश्य क्या है कि चंद्र एक इट्स अ हायर प्लैनेट एंड यू कैन नॉट गेट क्रैश टू द हायर प्लैनेट। पर प्रभुपाद जी ने कई बार कहा ऐसे गए तो भी क्या फर्क पड़ता है। और शास्त्र में ऐसे प्रसंग है जैसे रावण ने स्वर्ग पे आक्रमण किया था तो अर्जुन भी अभी अर्जुन भी स्वर्ग में गए थे, पर अर्जुन स्वर्ग में कैसे गए थे वो स्वर्गवासियों ने, इंद्र ने उनको बुलाया था इसलिए गए थे। रावण कैसे गया था, रावण ने आक्रमण किया था, बलि महाराज ने भी स्वर्ग पे आक्रमण किया था। तो अभी दोनों संभावनाएं हैं, तो कोई तंत्र ज्ञान से अगर वहां पे गया है तो उस अगर किसी को हमें देखना है कि लोगों को भक्ति के मूल सिद्धांत जो है उस पे हमको लाना है, और बाकी जो भी विवादास्पद बात है उन पे हमें हमारा ज़्यादा बुद्धि और ज़्यादा समय उसको वेस्ट नहीं करना है। तो अगर किसी को लगता है कि हम चंद्र पे गए थे, ठीक है गए थे, पर उससे क्या बड़ा फर्क पड़ने वाला है, चंद्र पे जाके भी क्या करने वाले हम, आहार निद्रा वह मैथुल और क्या करने वाले। जब चंद्र पे 1969 में जब उनके लिए फंडिंग कम हो रहा था चंद्र के लिए जाने के लिए, तभी उनका मेन प्रॉमिस यही था कि जैसे क्या होगा, जैसे आप किसी हिल स्टेशन पर रिजॉर्ट के लिए जाते हो वैसे आप चंद्र पे पिकनिक के लिए जा सकते हो। और वहाँ पे क्या करोगे, पिकनिक पे जाके लोग क्या करते, आहार निद्रा है, आहार निद्रा मैथ नहीं करते। तो फिर उसमें आपकी चेतना में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए ऐसे चीज़ों पे हमें ज़्यादा जोर नहीं देना है। तो अगर किसी को लगता है कि चंद्र पे, क्या हम चंद्र पे गए थे या क्या हम चंद्र पे जाने वाले, तो क्या है इसको, जस्ट डोंट गेट इनटू इट टू मच।
हो सकता है प्रभुपाद जी का मेन पॉइंट ये था कि आपको सिर्फ ऊपर के ग्रहों पर शारीरिक पद से जाने से इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। आज लोगों को चेतना के उठाने के लिए जो मदद करना है जो जो अनुकूल है वह कर सकते हैं। तो तीनों में कोई भी संभावना हो सकती है। भारत का भी अभी भारत का भी चंद्रयान है वो शायद चंद्र तक जा सकता है पर चंद्र को एक्सेस नहीं कर पाए। चंद्र को एक्सेस नहीं कर पाएगा मतलब क्या कि चंद्र का अनुभव नहीं कर पाएगा मतलब कैसे है कि चंद्र ये एक ऊंचा ग्रह है और जैसे कोई कंप्यूटर होता है अभी कोई बड़ा कंप्यूटर होता है तो उसमें अलग अलग लेवल का एक्सेस होता है कि कोई अगर कोई कोई कंपनी का सारा डेटा एक बड़े कंप्यूटर में है तो उसमें जो कंपनी का सीईओ उसको सारा डेटा देख सकता है पर एक क्लर्क होगा उसको सिर्फ कहते हैं ये फाइल में तुम एंटर करो और बाकी सब क्या है वो दिखेगा भी नहीं उनको। तो क्या है उस व्यक्ति को उतना अधिकृति नहीं उतना अधिकार नहीं है कि सारा डेटा देखो। कंप्यूटर में सब कुछ है पर उसको फाइल्स है वो दिखेगी भी नहीं। तो वैसे ही है कोई तो कोई वो कोई शारीरिक स्तर पर वो कंप्यूटर पर जा भी सकता है पर उसके पास अगर एक्सेस नहीं है पासवर्ड नहीं है तो कंप्यूटर में क्या है उसको दिखेगा नहीं। उसी तरह से कोई शारीरिक स्तर पर अगर कोई चंद्र पर चला भी गया तो जा सकता है अगर उत्तर तंत्र ज्ञान का विकास हो जाएगा तो शायद चला भी गया तो उससे चंद्र की अनुभूति नहीं होने वाली है क्योंकि क्या है वो चंद्र स्वर्ग स्वर्ग का एक भाग है और उसकी अनुभूति करने के लिए जो चेतना है स्वर्ग के समान होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर उसको चंद्र की जो एक स्वर्ग के रूप में अनुभूति है वह बिल्कुल नहीं होगी। स्वर्गीय ग्रह के रूप में चंद्र क्या एक एक रेगिस्तान जैसा कुछ जगह है वैसे दिखेगा उनको। तो इसके इसमें हमको ज़्यादा किसी से विवाद करने की जरूरत नहीं है हमको हमारा उद्देश्य केंद्र में रखते हुए उस पे पुनः आ रहा है बस। ओके बोले जो भागवतम में कांसेप्ट है सन इज यूनिस फादर देन सन वो अलग है। वो क्या है भागवत ने बताया कि सूर्य चंद्र से ज्यादा चंद्र सूर्य से ज्यादा दूर है वो बिल्कुल अलग है कि क्या है सबसे पहले भागवतम का जो कॉस्मोलॉजी है जो कॉस्मोलॉजी अंतरिक्ष का वर्णन जो है वह एक चिंतन के लिए बताया गया है। हमारे खुद के आचार्यों ने भी जब ज्योतिष के कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं उनको कुछ उसके लिए कुछ कैलकुलेशन गणित करना होता है गणना करनी होती है तो किसी ने भागवतम का जो ब्रह्मांड का वर्णन है उसका उसका उपयोग नहीं किया है। हाँ विश्वाचार्य ठाकुर भी चैतन्य महाप्रभु का अगर कुंडली बताते हैं या कोई कृष्ण की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो भागवतम का जो जो ब्रह्मांड का वर्णन है उसका उसमें जो दे मात्रा वगैरह बताई उसका किसी ने उल्लेख नहीं किया है किसी ने उसका उपयोग नहीं किया है। तो हमारे ही भारतीय संस्कृति में एक दूसरा ब्रह्मांड का वर्णन है उसको उसको कहते हैं हम ज्योतिष शास्त्रों का सूर्य सिद्धांत जैसे भगवान ठाकुर ने जो पढ़ा था वैसे सिद्धांत शास्त्र ग्रंथ है और उसमें जो ब्रह्मांड का वर्णन है वो काफ़ी अलग है। और अगर आपने भारतीय इतिहास में सुने हैं आर्यभट्ट वगैरह जो बड़े गणितज्ञ थे भी आर्यभट्ट के आर्यभट्ट ने भी ग्रंथ लिखा है। आर्यभट्ट ने कहा है कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है वो उनकी जो उनका जो ब्रह्मांड का वर्णन है वो तो समझ में आता है पर भागवतम का जो वर्णन है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। पर किसी ने मतलब 1500 साल पहले वो भी आर्यभट्ट कब थे एग्जैक्टली पता नहीं पर लगभग 1500 साल पीछे कभी तभी थे 1000 से 1500 साल के बीच में तो आर्यभट्ट को भी ये जो है ये विरोधाभास था कि ये कुछ अलग है दोनों का और उन्होंने कभी इसके लिए नहीं कहा कि भागवतम गलत है और ये सही है। तो वी डोंट हैव टू बी मोर ट्रेडिशनल इन द ट्रेडिशन कि हमारे हमारे परंपरा से अधिक पारंपरिक बनने की जरूरत नहीं है। हमारे परंपरा ने भी जो ज्योतिष शास्त्र और जो भागवतम का है उसमें कभी भेद देख के उसका कोई बड़ा उसी कारण उसके कारण उसके बड़ा विवाद नहीं किया है। तो अभी देखिए सुखदेव गोस्वामी के पास जब 7 दिन बचे हैं उनकी मृत्यु के लिए तो तभी वो कॉस्मोलॉजी में पीएचडी करने के लिए नहीं गए ब्रह्मांड के ज्ञान में उनको डॉक्टरेट नहीं करना है तभी उनको तभी भगवान पे चिंतन करना है और
अभी मैं पर्थ में था तो मैं भुरीजन प्रभु से इसी बारे में बात कर रहा था. भुरीजन प्रभु ने एक अच्छा पेपर लिखा हुआ है फिफ्थ कैंटो का कॉस्मोलॉजी के बारे में, और उन्होंने लिखा है कि इसमें वो उसका थॉट फ्लो क्या है. सबका थॉट फ्लो ये है कि हाउ यू शुड बिकम डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड एंड अटैच टू द लॉर्ड. तो अभी देखिए पांचवें स्कंद में पहले क्या है, पांचवें स्कंद में शुरुआत में किसकी कहानी है, हाँ भरत महाराज की कहानी है. और भरत महाराज की कहानी का उद्देश्य क्या है कि उनके पास इतना ऐश्वर्य था और फिर उन्होंने उसका वैराग्य दिखाया, फिर भी वो आसक्त हो गए, फिर बाद में अनासक्त होकर वो भगवान की प्राप्ति कर लिए. तो वह जो कहानी के रूप में वहां पर बताया है वही बाद में आगे एक ब्रह्मांड के दर्शन के रूप में बताया. कैसे बताया कि ब्रह्मांड में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोक है, वहां पर अलग अलग लोग रहते हैं, पर वो सब क्या कर रहे हैं, वो धर्म कर रहे हैं, वो भगवान की पूजा कर रहे हैं. और सारे वर्णन का उद्देश्य है कि हमें भगवान की भक्ति धर्म करना है, भगवान की भक्ति करनी है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत में जो बताया है वो सही या गलत है, हमको वो नहीं कहना है कि ये एक मॉडल है. और जैसे अगर आप आयुर्वेद के दृष्टि से हमारे शरीर को देखते हैं और एलोपैथी की ओर से हमारे शरीर को देखते हैं, तो अभी आयुर्वेद में कहते हैं कि कफवात पित्त होता है. अभी एलोपैथी में देखें तो कफवात पित्त आप कुछ ऐसे विशेष रूप से नहीं बता पाओगे, ये कफ को म्यूकस बोल सकते हैं पर एग्जैक्टली सेम नहीं है वो. तो अगर आयुर्वेद में बताते कि जठराग्नि आपकी बहुत आपकी शक्ति अच्छी होगी तो आपका सेहत अच्छा रहेगा, तो अभी आप एलोपैथी में देखेंगे तो जठराग्नि नाम की कोई चीज़ नहीं है, मेटाबॉलिज्म होते रहता है पर कोई अग्नि वैसे नहीं है. तो ये क्या है, हर एक प्रकार की जब दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण के अनुसार संकल्पनाएं होती है. तो एलोपैथी का भी मॉडल सही है कि उससे भी लोग बीमार होते ठीक होते हैं, और आयुर्वेद का भी मॉडल सही है. तो क्या है, इसमें जो इस तरह से शरीर के अलग अलग मॉडल हो सकते हैं, और एक मॉडल और दूसरे मॉडल को हमें डायरेक्टली हम तुलना नहीं कर सकते. एवरी मॉडल हैज टू बी रेफरेंस्ड विद इन इटसेल्फ. ठीक है, ये जो कफ बात पित्त है उससे क्या हम शरीर का कैसा काम करते समझ सकते, अच्छे समझ सकते. तो ये जो है अभी ये सब पार्श्वभूमि क्यों दे रहा हूं मैं, कि भागवतम का जो वर्णन है उसमें ब्रह्मांड का एक वर्टिकल डायमेंशन है. वर्टिकल डायमेंशन मतलब एक ऐसा ऊपर चढ़ने वाला एक दिशा है. मतलब हम कहते हैं कि हमारे बहुत ही सिंपलिस्टिक होते हैं हमारे ब्रह्मांड के वर्णन के बारे में. अभी अगर आप देखते हैं एक तरह से भारत और अमेरिका पृथ्वी के ऑपोजिट में, पृथ्वी का ऐसे मैप देखते हैं बस गोल कर गए तो भारत और अमेरिका लगभग ऑपोजिट में है. अगर भारतवासी को पूछेंगे कि स्वर्ग कहाँ है, वो कहेगा ऊपर. अमेरिका में किसी पूछे स्वर्ग पूछे कहाँ है, ऊपर. पृथ्वी पे देखे तो स्वर्ग ऊपर है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है. तो फिर वो स्वर्ग कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया वाले को भी ऊपर, मतलब इधर हो जाएगा. तो स्वर्ग वास्तव में कहाँ है, तो हम ऊपर ही कहने के लिए होता है, बट इट्स नॉट सिंपलिस्टिकली ज्योग्राफिकल ऊपर नहीं है वो भूगोल के स्तर पे ऊपर नहीं है, वो क्या है, एक ऊपर का एक स्तर है, स्तर है अस्तित्व का. इट्स अ हायर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, इट्स नॉट सिंपली अ ज्योग्राफिकल अप. तो क्या है, कभी कभी हम भाषा के स्तर पे ऐसे बोल सकते हैं, पर जो भागवतम में या धार्मिक ग्रंथों में जो ब्रह्मांड की रचना बताई गई है उसमें जो वर्टिकल डायमेंशन है वो एक अलग डायमेंशन है, और वह हमारे फिजिक्स में नहीं आता डायरेक्टली. तो इसीलिए उस दृष्टिकोण से ऐसे बताया गया है कि जो चंद्र है वह सूर्य से ज्यादा ऊपर है. मतलब पृथ्वी अगर यहां पे है तो सूर्य यहां पे है और चंद्र यहां पे है. पर कैसे है, अगर मान लीजिए अभी आपका ये ब्रह्मचारी आश्रम है और जहां पे मैं रह रहा हूं उसका नाम क्या है, मधुबन. तो अभी यहां से अभी ये हम थर्ड फ्लोर पे है, मान लीजिए वो मधुबन 20 फ्लोर का है और कोई मधुबन के 20वें फ्लोर पे कोई रह रहा है, तो थर्ड फ्लोर से 20 फ्लोर ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है. पर मान लीजिए यहां से कोई द्वारका में कोई बिल्डिंग है और द्वारका की बिल्डिंग में कोई फोर्थ फ्लोर पे रह रहा है, तो क्या है, वर्टिकल दृष्टिकोण से
जो मधुबन में 20वें फ्लोर पे रह रहा है वो ज्यादा दूर है, जो द्वारका में 4th फ्लोर पे रह रहा है वो ज्यादा पास में है वर्टिकल इसमें। पर टोटल अगर डायगोनल करेंगे आप उसको, तो अगर आप टोटल डिस्टेंस देखोगे तो क्या होगा, जो मधुबन में रह रहा है 20वें फ्लोर पे वो वास्तव में ज्यादा करीब है, पर जो ऊंचाई की दृष्टि से है वो ज्यादा ऊंचा है। तो अगर आप ज्योतिष शास्त्र में डिस्टेंसेस देखते हो तो फिर जो इफेक्टिव डिस्टेंस है, जो चंद्र जो है वो सूरज से अधिक करीब है, पर जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसमें चंद्र जो है ज्यादा ऊपर है। ओके, नो मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। यस ब्रो, यह सब सिंपल आंसर। They can also cross question that when you present science in your seminars, you also hit on those aspects which we may not have any answers, like Big Bang. So we also isolate and we present Big Bang. Okay, Big Bang is, you know, how can you logically prove Big Bang? So scientists can say that, you know, we have proven so many other things, why are you not focusing on that? Can you just why you only focus on Big Bang? It's like we say, why you focus on moonlight? Exactly. Why focus? So they can also agree with you. Also have a cross question like that. And it boils down to, you know, where our faith is. So now see, we cannot disregard science totally because science has given us proven so many things. Okay, agreed. तो अगर ये जो है, this is scriptural knowledge. इसमें जो है, एक ऐसा भाग है जो agrees with science. एक ऐसा जो भाग है disagrees with science. Disagrees. और एक बड़ा भाग जो है वो transcends science. तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो शास्त्रीय ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान, इसमें जो संबंध है, तो कुछ ऐसे हो सकता है जो शास्त्र के अनुसार ही है। शास्त्रीय और वैज्ञानिक ज्ञान समान हो सकता है, जैसे वैदिक मैथमेटिक्स हो सकता है, या भी कुछ ऐसा संशोधन है जिससे कि हम आत्मा के अस्तित्व के बारे में थोड़ा पुनर्जन्म की यादें वगैरह ऐसे कुछ हो सकती है। तो कुछ है एग्रीज विथ, कुछ है डिसएग्रीज, इसमें विरोधाभास आता है। पर बड़ा शास्त्र का जो ज्ञान है वह विज्ञान के परे है। अभी क्या एक आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे भगवान एक सांवले रंग के मोरपंख पहनने वाले बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति है, यह विज्ञान न तो प्रूव कर सकता है न डिस्प्रूव कर सकता है। तो हमें प्रधान रूप से अगर हम हमारे व्यावहारिक जीवन में देखते हैं तो हम इनमें से कौन से ज्ञान पे ज्यादा जोर देते हैं? हम शास्त्र को पढ़ने आते हैं, जो ज्ञान विज्ञान से हमको नहीं मिलता है उसके लिए हम जप करना है, विग्रहों की पूजा करना है, हमको खुद की चेतना का विकास करना है। तो प्रधान जो उद्देश्य है, वी वॉन्ट द नॉलेज दैट ट्रांसेंड साइंस। तो इसको भेद को हम कह सकते हैं कि क्या है कि नॉलेज ऑफ मैटर एंड नॉलेज ऑफ वॉट मैटर्स, कि जो जड़ तत्व है और जो जीवन का मूल, हमें जीवन कैसे जीना है उसके बारे में ज्ञान है। तो हम जब भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई भी पद्धति हो, तो उसमें एक उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य के अनुसार कि अभी ये एक कमरा है,
ये कमरा भी, अगर कमरे के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है तो इसमें अगर आप एक कमरे में बैठ के जाते हो, एक बार एक सिर्फ लेक्चर के आए थे, तो यहाँ पर किसी पूछता हूँ यहाँ पर कितने पावर स्विच थे, मैं देखा नहीं, बोलेंगे कि उसकी ज़रूरत नहीं हमको जानने की। जिसने कमरा बनाया है, जो हमेशा यहाँ पर रहता है, जिसको उसको शायद पता होगा। तो जब हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बेसिकली वी लुक एट थ्री थिंग्स, वॉट इज माई पर्पज, वॉट विल हेल्प मी गेट टू माई पर्पज, एंड वॉट विल गेट इन माई पर्पज। मुझे क्या, अभी आप सब यहाँ पे आए हैं एक लेक्चर सुनने के लिए आए, तो फिर अगर ये लेक्चर सुनने में क्या आपको मदद करेगा, क्या ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अच्छे से बैठ सकता हूँ, कि सबको बैठने के लिए जगह है, अगर मुझे थोड़ी गर्मी होती तो खिड़की के बाजू में बैठ सकता हूँ, क्या फैन के नीचे बैठ सकता हूँ क्या, और क्या प्रतिकूल है, अगर मान लीजिए कोई और भक्त है जो एक जगह ऐसी जगह यहाँ पे दरवाजे के पास में लोग आते जाते रहते, उसे ध्यान नहीं रहता, तो शायद मैं दरवाजे के बाजू में नहीं बैठूंगा। अगर आपको बोर होता है तो दरवाजे के बाजू बैठना इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। तो पॉइंट यह है कि कोई भी ज्ञान जो होता है वो उद्देश्य के अनुसार होता है। तो किसी को भी ऐसे, हमारा दिमाग इतना इतना संक्षिप्त है कि किसी को कॉम्प्रिहेंसिव ज्ञान किसी का नहीं होता है। तो हम सबको क्या कहते हैं, उसको ऑपरेशनल ज्ञान होता है, नॉट एग्जॉस्टिव नॉलेज, ऑपरेशनल नॉलेज। तो शास्त्र का उद्देश्य क्या है? शास्त्र जैसे बताया था कि अर्जुन ने सवाल क्या पूछा, पृच्छामि त्वं धर्म समूर्जिता, धर्म क्या है? अभी जब जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये जीता, जो कुरुक्षेत्र युद्ध जीता उन्होंने, तो वो कुरुक्षेत्र युद्ध जीता किस आधार पर जीता उन्होंने? भगवद्गीता के ज्ञान के द्वारा जो कृष्ण ने उनको दिया था, या धनुर्विद्या का ज्ञान जो उन्होंने द्रोण से प्राप्त किया था, जिसका उन्होंने पूरे जीवन भर प्रशिक्षण किया था, किसके द्वारा जीते वो? बोध, दोनों कैसे क्या? हम बराबर है, पर किस तरह से, दोनों कैसे क्या? भगवद्गीता से प्राप्त हुआ। हाउ टू डू इट इन लाइफ, वो कहां से मिला उनको? वो उनको पहले से उन्होंने प्राप्त किया था। अभी भागवतम का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, पर परीक्षित महाराज ने अपना पूरा जीवन एक तरह से भागवतम सुने बिना जिया। और भागवतम कब सुना उन्होंने? अपने जीवन के अंत के समय। ऐसे नहीं कि वो अज्ञानी थे, वो भी भक्त थे और भक्ति का ज्ञान था, पर भागवतम का अगर हम केवल ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो कोई कहेगा कि भागवतम का ज्ञान आपको जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। तो भागवतम के जो प्रधान जो श्रोता है, उन्होंने अपना पूरा जीवन भागवतम के ज्ञान के बिना जिया है। तो मतलब क्या हो रहा है ये? क्या कि ऐसे नहीं कि उन्होंने, वो उनको जब राज्य करना था तो राज्य करने के लिए, राज्य कैसे करना है वह एक राजधर्म है, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से सीखा, अपने अलग गुरुओं से सीखा, उसके अनुसार उन्होंने राज्य किया। भागवतम में भी जब भीष्म पितामह जो वर्णन करते हैं, ज्ञान देते हैं युधिष्ठिर महाराज को, तो उसका विस्तारित वर्णन जो है वह शांति पर्व, अनुशासन पर्व में आता है महाभारत के। पर भागवतम में सिर्फ वो बताया कि इन्होंने राजधर्म पर दिया, और फिर बाद में उनकी प्रार्थनाएं बताने लगते हैं। तो यहाँ पे मेरा कहने का ये सब विशेषण का उद्देश्य क्या है कि समटाइम्स वी मे ओवर एस्टिमेट द स्कोप ऑफ स्क्रिप्चुरल नॉलेज, एंड समटाइम्स एथीस्ट्स मे ओवर एस्टिमेट द स्कोप ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो दोनों के अपने अपने, तो आध्यात्मिक ज्ञान हमको क्या क्या बताता है, शास्त्रीय ज्ञान हमको क्या क्या बताता है, और वैज्ञानिक ज्ञान हमें क्या क्या बताता है, ये दोनों के अपने अपने स्कोप है। तो हमको स्कोप अगर समझ में आएंगे तो फिर जो विवाद है वो कम होगा। तो इसमें दो, जब हम वैज्ञानिकों के बारे में कुछ बिग बैंग थियरी जो है उसके बारे में कुछ दोष बताते हैं, तो हम क्या बता क्या कर रहे हैं वो हमें देखना महत्वपूर्ण है कि क्या है कि ये वैज्ञानिक खुद भी है, जो बिल्कुल से ऑनेस्ट साइंटिस्ट से, दे देमसेल्फ से दैट देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच साइंस कांट आंसर, द क्वेश्चन अबाउट ओरिजिन्स, दिस कि हम का, मैं तीन कहता हूँ, ओरिजिन्स, वैल्यू एंड पर्पस।
कि हम कहाँ से आए, हमें कैसे जीवन जीना है, और हम कैसे मतलब क्या चुनाव करने हैं, और फिर हमें किसके लिए जीवन, क्या उद्देश्य के अनुसार जीवन जीना है, यह हमें विज्ञान नहीं बता सकता है। तो साइंस इज नॉट मॉरल, साइंस इज नॉट इमोरल, साइंस इज अमोरल। अमोरल मतलब कि विज्ञान हमको ये बताता नहीं कि नैतिक रूप से क्या चुनाव करना है। विज्ञान आपको ये बता सकता है कि अभी ये व्यक्ति कोमा में है, अगर आप इसका ऑक्सीजन सपोर्ट निकाल दोगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, पर ऑक्सीजन सपोर्ट निकालना है या नहीं ये विज्ञान ही बता सकता है आपको। ये एक नैतिक फैसला है और ये हमें हमारे नैतिक मूल्यों के अनुसार हम करते हैं। तो अगर हम कैसे है कि इसमें हम जब विज्ञान की निंदा करते हैं तो कभी कभी क्या, समटाइम्स वी एज डिवोटीज ट्राई टू बी बेटर साइंटिस्ट देन साइंटिस्ट्स, कि हम जैसे दिखाते हैं कि हम वैज्ञानिकों से अच्छे वैज्ञानिक हैं। वो करने का प्रयास करेंगे तो हम अगर कोई अच्छा वैज्ञानिक है, वो अगर वो कोई अच्छा वैज्ञानिक जानता है तो वो हमको पूरा पीट देगा, वो नहीं कर सकते। बट देर आर टाइम्स वेन साइंस क्लेम्स टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ साइंस। तो ब्रह्मांड कहाँ से आया, यह एक वैज्ञानिक सवाल नहीं है, यह एक तत्वज्ञानी सवाल है। क्योंकि विज्ञान ये किस आधार पर कार्य करता है, साइंस वर्क्स ऑन सर्टन एजम्पशंस, और एजम्पशंस क्या है कि द वर्ल्ड एग्जिस्ट एंड द वर्ल्ड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ नेचर, और फिर निसर्ग के नियमों के अनुसार ये ब्रह्मांड कार्य करता है। तो जब ब्रह्मांड ही नहीं था और निसर्ग के नियम भी नहीं थे तो तभी क्या कार्य कर रहा था, ये विज्ञान ही बता सकता है। तो हमें चौकन्ना रहना चाहिए कि हम जब विज्ञान की निंदा करते हैं तो हमें ऐसी निंदा नहीं करनी चाहिए कि जिसमें हम दिखाते हैं ओके वैज्ञानिकों ने गलती की थी, बाद में उन्होंने वो सुधार दी, तो क्या होता है ऐसे वो बहुत तुच्छ लगता है। पर हम वैसे तो धार्मिक इतिहास में भी इतने सारी बुरी चीज़ें हुई है, लोग उसका भी दोष निकाल सकते हैं, पर क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल मिस्टेक्स बाय साइंस, कि अच्छा वैज्ञानिकों ने यह शोध निकाला था पर ये ना ये दवाई गलत थी, ये बुरा गलत था, फिर बाद में सही निकला, वो नहीं देख, वो देखेंगे तो ठीक है पर वो एक चीप शॉट जैसे हो जाता है। जो असली क्या है, हमें आर रियल इश्यू, वी डोंट हैव टू पोजिशन साइंस एंड स्क्रिप्चर एज कॉम्पिटिटर्स टू ईच अदर। टू पोजिशन स्क्रिप्चर एज अ कॉम्पिटिटर टू साइंस इज टू डीवैल्यू स्क्रिप्चर। अगर हम शास्त्र को विज्ञान के एक प्रतिस्पर्धी के रूप में डालते हैं तो क्या हम कर रहे हैं, शास्त्र की कीमत हम कम कर रहे हैं। शास्त्र हमें कि एक हवाई जहाज कैसे चलाना है यह बताने के लिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम नहीं बताया। हाँ, वो ज्ञान हो सकता है शास्त्रों में पर उस आधार पर हमें तुलना नहीं करनी है। शास्त्र का जो उद्देश्य है वह महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी वैज्ञानिक जब विज्ञान के परे जाकर कुछ जवाब देते हैं, अगर कोई वैज्ञानिक कहता है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है तो दिस इज वो अपनी राय बता रहा है, वो एक वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं बता रहा है। अभी वैज्ञानिकों को भी अपनी राय हो सकती है, कोई वैज्ञानिक नास्तिक हो सकते हैं, पर नास्तिकता यह विज्ञान का एक अनिवार्य निष्कर्ष नहीं है, यह उसका एक व्यक्तिगत विचार है। तो उसमें हम इश्यू ले सकते हैं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो जब विज्ञान अपने स्कोप के पर जाता है तो उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो अभी दूसरा सवाल आता है, क्या शास्त्रों के ज्ञान का भी कोई स्कोप है? तो कभी कुछ व्यक्ति शास्त्रों में सब ज्ञान है, क्या है, भौगोलिक ज्ञान है, ऐतिहासिक ज्ञान है, मनोवैज्ञानिक ज्ञान है, सब ज्ञान है। अभी हो सकता है, पर हमारे आचार्यों ने भी क्या किया है, भागवतम के आधार पर ही सब ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। जीव गोस्वामी वो भागवतम पे ही उनको लिखना था, पर उन्होंने क्या किया, वो एक मायावाद संप्रदाय में गए वाराणसी में और वहां पे उन्होंने संस्कृत सीखा। तो हमें कभी शास्त्रों का, स्क्रिप्चर इज अथॉरिटी फॉर इट्स पर्पस। शास्त्र हमें कृष्ण भावना कैसे भावित वैसे होना है उसके लिए शास्त्र जो है अधिकृत ज्ञान देता है। अभी दूसरा ज्ञान शास्त्रों में ऐसे नहीं कह रहे कि हम गलत है, बट दैट मे नॉट बी द, जो भौतिक जगत है वो अलग अलग पद्धति से हम देख सकते हैं। तो इसीलिए जब हम
शायद प्रभुपाद जी ने कुछ विधान किए हैं या शास्त्रों में कुछ विधान है, वो हमको विज्ञान से प्रतिस्पर्धित करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम ये उचित हर एक का स्कोप समझ लेंगे, तो जब मैं कह रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या है कि अगर विज्ञान ऐसे अभी हम मानव चंद्र पे गया है कि नहीं, अगर देखना तो वो इस विभाग में आएगा कि शास्त्र। और अगर अगर कोई कहता है कि शास्त्रों का ये सिद्धांत है, शास्त्र की ये सीख है कि मानव चंद्र पे जा नहीं सकता है, भाई क्या ये शास्त्रों की सीख है, इसके भी इस पर भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसे एक्सप्लिसिट कुछ श्लोक नहीं है कि मानव चंद्र पे जा नहीं सकता है, पर मान भी लिया अगर वैसा है तो वो इस विभाग में आ रहा है। तो कोई भी हम शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम शास्त्रों के द्वारा हम और फास्ट विमान कैसे बना सकते हैं या और फास्ट कंप्यूटर कैसे बना सकते हैं, यह सीखने के लिए हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे। तो अगर हर एक का उद्देश्य समझ लेंगे तो फिर हम जो अननेसेसरी विवाद है उसको हम टाल सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि प्रभुपाद जी ने एक वाक्य कहा है, इसीलिए कुछ भी हो जाए उसको हमें वी हैव टू डिफेंड इट एट ऑल कॉस्ट्स। अभी ऐसे नहीं है, प्रभुपाद जी ने अलग अलग संदर्भ में कहा था। मुझे बताया था कि मुझे तत्व ज्ञान के स्तर पर कुछ संदेह आया था, इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। प्रभुपाद जी ने लीलामृत में कहा है एक जगह पे कि सन 2000 के 2000 तक इतना पृथ्वी पर प्रदूषण हो जाएगा कि कोई भी मानव पृथ्वी के तल पे नहीं रह पाएगा, सबको चूहों के समान पृथ्वी के अंदर रहना पड़ेगा। और ये कब तक हो जाएगा? 2000 तक। अभी क्या चल रहा है? क्या हम सब पृथ्वी के अंदर रह रहे हैं? तो मैंने एक वरिष्ठ भक्त से पूछा और उन्हें जवाब दिया, पहला जवाब था उनका कि वो क्या श्लोक है, तस्य इति कथिते अर्थः प्रकाशन्ते महात्मना, शुरुआत किया, हाँ, यस्य देवे परा भक्ति तथा गुरु तथा गुरु तथा देव तथा गुरु तस्य इति कथिते अर्थः प्रकाशन्ते महात्मना। उसका क्या था, जिसको सही में गुरु और भगवान में श्रद्धा है उसको ऐसे सवाल आएगी ही नहीं। तो फिर बाद में बड़ा लंबा जोड़ा बिल लिखा उन्होंने, कहते हैं सवाल तुमको आ रहे हैं, तुम अभी गुमराह हो रहे हो, तुम अगर खुद को नहीं सुधारोगे तो पतन हो जाएगा तुम्हारा। फिर बाद में जवाब दिया कि मैं अमेरिका गया था और अमेरिका में एक शहर है, वो पूरा क्या कि उस शहर में ठंडी बहुत होती है, तो पूरा शहर नहीं पर उसका एक विभाग है वो पूरा उन्होंने उसको ग्रीन हाउस जैसे बना दिया है, मतलब द होल सिटी इज कवर्ड, जैसे कि बहुत जैसे कोई ग्रीन हाउस मतलब ठंडी हो जाती तो उसको कवर कर लेते, तो उस शहर का उन्होंने एक पूरा विभाग बना दिया। तो वो देखो ये प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी सत्य हो रही है, ये जमीन के अंदर नहीं रह रहे, जमीन के ऊपर कुछ बनाया उन्होंने, और ये प्रदूषण के कारण नहीं है, ये वातावरण को नियंत्रण करने के लिए। तो फिर वो बिल्कुल मान नहीं रहे थे। फिर बाद में मैं दूसरे एक भक्त से पूछा और फिर उन्होंने प्रभुपाद जी के वो प्रभुपाद जी 1975 में कुछ कन्वर्सेशन एक बार बार मैं बताया था। और फिर बाद में क्या हुआ, तो प्रभुपाद जी ने अगर आप वेदाबेस में जाओगे तो क्या प्रभुपाद जी का रोज का कन्वर्सेशन भी डेट वाइज है, तो उसके 3 दिन पहले प्रभुपाद जी का एक मॉर्निंग वॉक पे कन्वर्सेशन हुआ था। और तभी एक भक्त ने क्या किया था, प्रभुपाद जी को एक ऐसा रिपोर्ट दिखाया था जो कुछ आजकल भी ऐसे कुछ लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कि प्रदूषण में बहुत वातावरण में बहुत सारी समस्या आ रही है और उससे बहुत सारा विनाश हो जाएगा। तो किसी ऐसा ऐसे एक सोसाइटी का रिपोर्ट था कि 2000 तक इतना प्रदूषण होगा कि कोई मानव पृथ्वी पर नहीं जी रह पाएगा और सबको पृथ्वी के अंदर रहना पड़ेगा, और प्रभुपाद जी वो कोट कर रहे थे। तो समझ रहे हो अभी आप, तो अभी प्रभुपाद जी शास्त्र नहीं बता रहे, तो हमको ये स्टेटमेंट डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये स्टेटमेंट अगर हम किसी को बोलेंगे, अगर आप विश्वास नहीं करते हो कि 2000 के बाद कोई भी पृथ्वी पर नहीं चल सकता है, तो आपको शास्त्र में विश्वास नहीं है। तो सब लोग क्या आंखें बंद करके हमको जीना है क्या, फिर हम सब पृथ्वी पर चल रहे हैं। तो क्या है कि प्रभुपाद जी के कौन से वाक्य कहाँ किए हैं, कब किए हैं, ये देखना महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी ने
एक 1976 में एक प्रभुपाद जी का एक लेटर उनके डिसाइपल को कि जब उन्होंने उनके डिसाइपल ने कहा उनको कि मैं आपके सारे जो लेक्चर है उनका ट्रांसक्रिप्शन करना चाहता हूँ ताकि मैं आपका संदेश और अच्छे से समझ सकूँ। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा जो प्रधान मैं संदेश है मैंने मेरे ग्रंथों में दिया है और तुम मेरे सारे लेक्चर का ट्रांसक्रिप्शन करते बैठोगे तो ये एक प्रयास हो जाएगा, अत्याहार प्रयास जैसे, ये करने की जरूरत नहीं है। पर क्या हुआ है, हमने न केवल प्रभुपाद जी के सारे लेक्चर्स को ट्रांसक्राइब कर लिया है, प्रभुपाद जी के कॉन्वर्सेशंस थे जो उनके प्राइवेट डिसाइपल्स के साथ थे, छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन, उसको भी ट्रांसक्राइब किया है, उसको सारा इंटरनेट पे सबको जनाको दिखाने के डाल दिया है। और फिर हम क्या करते हैं, जो प्रभुपाद जी ने प्राइवेटली कुछ चीज़ें बताई है उसको भी उतना ही अथॉरिटी दे देते हैं जो उतना उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, कहाँ बोला है, क्यों बोला है, किस आधार पे बोला है, वो हमें देखना चाहिए, तो किसे प्रभुपाद जी ने बोला है इसीलिए उसको हमको डिफेंड करना है, वो भाव रखे तो हम फैनाटिकल हो जाएंगे फिर। Does it answer your question? Yes, please. The logic that you cannot go on moon in this body. Then you have Durvas Muni going to Vaikuntha without being qualified. You have the Bodh Kumara going to Vaikuntha. So there are exceptions. So Prabhupada ji ne humko paddhati di hai na ki kya hai? गुरु साधु और शास्त्र। तो गुरु ने अगर ऐसे कोई वाक्य की है जिसमें साधु और शास्त्र ने कुछ कहा नहीं है तो फिर गुरु ने वाक्य के इसलिए हम उसका आदर करते हैं, पर हमें हमारे पूरे परंपरा के सिद्धांत को उस वाक्य को डिफेंड करने उसका पुष्टि करने के लिए हमको किसी का संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बताया कि उसके अलग उदाहरण भी देते, दुर्वास मुनि कहते थे पुण्यवान थे इसलिए गए, पर रावण पुण्यवान भी नहीं था फिर भी उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया था, तो इसीलिए उसके विपरीत भी उदाहरण है। इसलिए हमें वी शुडंट रिड्यूस प्रभुपाद डाउन टू द मोस्ट एक्सट्रीम स्टेटमेंट दैट ही हैज मेड, तो वो प्रभुपाद जी के प्रति हिंसा हो जाएगी एक तरह से। एग्जैक्टली मून जनरली इट्स नॉट फर्क क्या पड़ता है उससे क्या नहीं, बट वो क्या है कि हम लोग फिर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि जीना नहीं जा ही नहीं सकते, फिर बाद में हम जो जो हमारे लॉजिक हैं यूजिंग द साइंस ऑफ स्क्रिप्चर्स वी ट्राई टू प्रेजेंट, मेनी टाइम्स यू नो आवर थिंग्स कैन बी डिस्प्रूव्ड आल्सो बाय यूजिंग साइंस। यस जरूर। तो क्या है, जो प्रचारक है वो उसको खासकर जो ऐसे विवादास्पद सवाल विवादास्पद विषय पर जो जवाब देता है उसको एक मृदंग के जैसे होता है, कोई जवाब देगा तो बाहर से कोई लोग पीटेंगे ये सही नहीं है, कोई दूसरा जवाब देगा तो अंदर से लोग पीटेंगे ये फेथफुल नहीं है तो दोनों के बीच में कुछ कीर्तन कर रहा है प्रचार कर रहा है जैसे प्रभुपाद के कुछ आंसर्स, मतलब वो लॉजिक हम ऐसे क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद को पूछा कि गांधी जी ने 3 बार राम बोला था क्या, जब उनको गोली मारी थी उन्होंने राम बोला था, प्रभुपाद बोले आई वाज नॉट देयर। हाँ एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि बाजू का कमरे में कितने खिड़कियां है, तो प्रभुपाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन so yeah, we don't have to make, हमें प्रभुपाद जी को सर्वज्ञ नहीं बनाना है, प्रभुपाद जी भगवान नहीं है, वो ये उनका मूलभूत सिद्धांत है। नहीं पता।
या अभी ये तीन चीजों में तीन जो बताया कौन सा हुआ है हमें पता नहीं है और हमें हमें कि हम भक्ति करने आए हैं, हम कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं कर रहे देखने को कि क्या हुआ है वास्तव में, या वी डोंट नो। इसमें एक और चीज भी है, एक प्रभुपाद जी का शिष्य वो बताया कि प्रभुपाद जी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे है कि क्योंकि वी आर इन इस्कॉन, हम प्रभुपाद जी ये प्रभुपाद जी हम प्रभुपाद जी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, पर हमें हर बार प्रभुपाद जी की पुष्टि करनी जरूरी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई प्रभुपाद सेड दिस, प्रभुपाद जी ऐसे क्यों बताया मुझे पता नहीं है। और बेसिकली उस विषय को ज़्यादा प्रोलोंग मत करो, वही महत्वपूर्ण है कि जितना हम प्रोलोंग उस विषय को और बढ़ाएंगे उतना हम कमज़ोर हो जाएंगे और जो लोग हैं उनकी शुद्धा को हम और चुनौती देंगे कि ये विश्वास नहीं कर सकता मैं। तो प्रभुपाद जी ही उनके हर एक वाक्य को शास्त्र बनाना ये उचित नहीं है वास्तव में। प्रभुपाद जी वॉज अ ह्यूमन बीइंग, तो अगर उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी एक जगह पर कहा कि अगर उन्होंने कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पे कुछ अपना कुछ विचार बताया तो वो शास्त्रीय वाक्य नहीं है, इट्स हिज नॉलेज एंड ही रिस्पेक्टेड, पर ऐसे नहीं कि उसको दैट इज नॉट शास्त्र वाक्य। तो अगर ये 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 राजनीतिक ऐसा था या ये देश ऐसा था या वो देश वैसे है तो ये क्या शास्त्र के आधार पर नहीं प्रभुपाद जी बोले, उनका ये उनका एक मत है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो हमको पद्धति दी है गुरु साधु शास्त्र, अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रभुपाद जी कौन से वचन महत्वपूर्ण है वह हम समझेंगे और फिर उसके आधार पर हम हमारे प्रचार को केंद्र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यस प्रभु, मेरा आज के टॉपिक से भी yes. सादा जो आपने बताया था चार चीजों भक्त कृष्ण के शेल्टर लेते हैं, लेकिन हम लोग भक्त समझ में ये भी पढ़ते हैं कि कृष्णा इंक्लूड्स कृष्णा डिवोटी, कृष्णा इंक्लूड्स हिज धाम, कृष्णा इंक्लूड्स हिज नेम, कृष्णा इंक्लूड्स हिज स्क्रिप्चर्स, तो ये कृष्ण में ही आ जाते हैं। और जब आपने कहा कि एसोसिएशन जब चार्टर हो जाता है लेकिन कृष्णा स्पिरिचुअल भी ये एक संत है संत भाव का मतलब एसोसिएशन ऑफ डिविटी इज इट फॉर मी विदाउट व्हिच आई कैन नॉट वॉक। तो फिर ओके आपने ये बताया कि एक्चुअली कि दीस प्रोसेसेस has to Krishna but they can also become our shelter. So making these processes as a shelter, yes there may okay. be problems sometimes but they can be made. हाँ सर जरूर। वैसे है कि इसे भक्तों का संघ ही तो यष्टि मात्रे न कहते हैं वो कि ये मेरी एक छड़ी है चलने के लिए, उसके बिना मैं चल नहीं सकता, कृष्णा स्वयं कहते हैं कृष्णा स्वयं कहते हैं, और कृष्ण मतलब उनके भक्त उनके धाम उनके विक्रह सब कुछ आ जाता है उसमें। हाँ जरूर, पर क्या हम वो संबंध देख रहे हैं, मतलब जब मुझे भक्त बहुत अच्छे लगते हैं तो क्या मैं देख रहा हूं ये इतने अच्छे हैं क्योंकि कृष्ण का प्रेम इनके द्वारा आ रहा है, क्या ये बहुत अच्छे हैं बस और कल अच्छे थे आज अच्छे नहीं है, क्या हो गया इनको। अगर मैं देखता हूं कि इनका कृष्ण संबंध है मतलब क्या है, जो भगवान कृष्ण का प्रेम है वो उनके तो, वो इन भक्तों के द्वारा भी मुझ तक आ रहा है, और शायद आज भगवान कृष्ण का प्रेम इस भक्त से मुझे आएगा और कल अगर कुछ बदल जाएगा तो वह प्रेम शायद उनके द्वारा नहीं आएगा, वह स्नेह उनके द्वारा नहीं आएगा, किसी और के द्वारा आएगा। तो फिर अगर हम कृष्णा को जो भी सब चीज़ें कृष्ण में ही हैं, पर क्या हम कृष्ण संबंध देख रहे हैं, कृष्णा उन चीज़ों का स्रोत के रूप में देख रहे हैं। एवरीथिंग अट्रैक्टिव कम्स फ्रॉम कृष्णा बट एवरीथिंग अट्रैक्टिव डजंट ऑलवेज टेक अस टू कृष्णा। तो जो भी हमें आकर्षक है, जो भी हमें सांत्वना जो शक्ति देता है, वो सब कृष्ण से ही आता है, पर क्या वो मुझे कृष्ण की ओर ले जा रहा है ये हमें खुद को देखना है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो शायद कृष्ण की ओर जाने में हमें व्यत्यय कर सकता है, तो उस ये जो है भूकंप आना यह एक एक्सेप्शनल चीज़ है, हमेशा नहीं है, साधारणतः हम अगर हम कोई व्यक्ति तत्व थोड़ा विचारवंत है तो उनका प्रधान जो संग है भगवान से वो शायद शास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही होगा, पर दैट नीड नॉट बी हिज ओनली शेल्टर। तो कभी कभी अगर वो नहीं मिल रहा है तो भी आगे बढ़ देना चाहिए, पर ऐसे नहीं कि वो होना ही नहीं चाहिए। एक है कि हम भले ही समझ भी जाएंगे कि मेरा अंतिम उद्देश्य भगवान है, पर जिस प्रकार का शरीर और मन हमको है वह तो बदलने वाला नहीं है। अगर कोई प्रधान रूप से इंटेलेक्चुअल है
तो उनका प्रधान जो सेवा है संबंध है भगवान से, वो एक बौद्धिक स्तर पे ही होगा। कोई अगर पुजारी है मान लीजिए, और वही उनकी प्रधान सेवा है, तो जो एक सांस्कृतिक रूप पे जो है भगवान के अच्छे से डेकोरेशन करना, पूजा अच्छे से करना, अर्चना अच्छे से करना, वही उनका प्रधान सेवा रहेगा, वही उनका प्रधान चिंतन भी रहेगा, तो वो बदल नहीं सकते। पर जैसे हम कहते हैं निष्ठा, आसक्ति और रुचि, आसक्ति और रुचि में फर्क क्या है? आसक्ति में हम उस सेवा से आसक्त है, रुचि में उस सेवा के जो उद्देश्य है उनसे आसक्त होते हैं, तो वो थोड़ा सा फर्क है उसमें। तो ये फर्क नहीं होगा कि हम जो हमारा स्वभाव है और जो स्वाभाविक रूप से हम भक्ति करते हैं वो बदलेगा नहीं हमारा, पर हम कहाँ किसको सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्या वो विधि को सबसे वो पद्धति को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, पद्धति के उद्देश्य को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, वह फर्क हो जाएगा बस। आंसर क्वेश्चन, थैंक यू। यस, एक मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन ये कि हम देखते हैं कि भी कम इन द इंस्टीट्यूशन जैसे इस्कॉन है, उसमें आने के बाद द मेन मोटो इज टू ग्रो, और बहुत बार इंस्टीट्यूशन का जो सराउंडिंग होता है या जो स्ट्रक्चर होता है दैट मेक्स यू बाउंड इन योर साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस, और एक उनका एक बंधन जो हम बंधन छोड़ने के लिए आते हैं, इट बिकम्स वन ऑफ द बॉन्डेज एंड वी डोंट गो बियॉन्ड दैट। अगर हम कंपेयर करें अगर मध्व संप्रदाय से, जब इसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं, व्हेन समवन कम्स अंडर द सांप्रदायिकता ही स्टॉप्स ग्रोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ हिज संप्रदाय, और फिर हम देखते हैं कि इसमें फिर डिस्प्यूट्स होते, इश्यूज होते हैं। सो इस्कॉन में भी अगर हम देख सकते हैं कि हाँ इस्कॉन में हम आते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए कनेक्ट ऑर्सेल्स विद कृष्णा, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस बॉन्डेज ऑफ इस्कॉन जो भक्तों में हम पाए जाते हैं कि जो एक्चुअल उद्देश्य को ब्रेक करते हैं उनके उनके उद्देश्य में दे बिकम्स ऑब्स्टेकल्स ग्रोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, सो होप रिजॉल्व दिस बैलेंस। तो कभी हम सारे भौतिक जगत के बंधन छोड़ के भगवान का आश्रय ग्रहण करने के लिए इस्कॉन में आते हैं, पर इस्कॉन के कारण भी कुछ बंधन आते हैं, इससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति या हमारी वृद्धि में कुछ बाधाएं आती है। ये एक स्वाभाविक है कि एवरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड समथिंग एंड डिप्राइव्स अस ऑफ समथिंग। कोई भी रचना है वह कुछ चीज़ हमें प्रदान करता है और कुछ चीज़ों से हमें वंचित करता है। से मान लीजिए अगर यहाँ से हमको बम्बई जाना है, तो अगर हम एक रास्ता चुनते हैं तो फिर उस रास्ते में जो चीज़ें हैं वही हमको दिखेगी, अब कोई नदी देखनी है, कोई पहाड़ देखना है, पर दूसरे रास्ते में जो है वो चीज़ें हमको नहीं दिखेगी। तो अगर इसको उदाहरण दूसरा हम लेते हैं ये भाव के, कि जो पहाड़ के नीचे है वो है एक भौतिक चेतना, पहाड़ के ऊपर है जो आध्यात्मिक चेतना, और पहाड़ के ऊपर जाने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। ये हम किसको अलग अलग धर्म कह सकते हैं, अलग शास्त्र कह सकते हैं, अलग अलग संप्रदाय भी कह सकते हैं। तो अभी हमें एक मार्ग चुनना है, क्योंकि हम अगर एक मार्ग चुनेंगे नहीं तो हम ऊपर जाएंगे नहीं। तो भले ज़रूरी नहीं है कि हमारा मार्ग सबसे सुविधापूर्ण हो, सबसे अच्छा हो, सबसे सरल हो, नहीं, पर हमने एक मार्ग चुना है, उस मार्ग पे अगर हम कमिट नहीं हो गए, उस समर्पित नहीं हो गए, तो हम आगे नहीं जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे मार्गों के द्वारा भी ऊपर नहीं जा सकते, पर अगर मुझे जाना है तो मुझे इस मार्ग से ऊपर जाना है। तो अगर कोई नीचे ही है और सिर्फ बातचीत करते रहता है, अरे ये मार्ग अच्छा है, वो मार्ग अच्छा है, मार्ग अच्छा नहीं, तो फिर वो नीचे ही रहेगा जिंदगी। इससे और सबसे वर सबसे उससे और विपरीत क्या चीज़ है कि जो नीचे रहता है और जो दूसरों मार्गों से जा रहा है उन सबको नीचे खींचते रहता है, मत जाओ ऊपर, मत जाओ ऊपर, वो गलत है। तो खुद ऊपर नहीं जा रहा है, दूसरों को भी ऊपर नहीं जाने जा रहा है, वो अच्छा नहीं है। तो खुद अपने मार्ग से ऊपर जाओ। पर अगर कोई भक्ति हम जिस पद्धति से कर रहे हैं उस पद्धति के अलग कुछ कर रहा है, तो फिर अगर हम उनसे बातचीत करते हैं तो फिर शायद ओके ठीक है, मुझे इस पहाड़ी से मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है, शिखर इस तरह से दिख रहा है, रास्ता इस तरह से दिख रहा है, पहाड़ इस तरह से दिख रहा है, सारी दृष्टि इस तरह से दिख रही है और उनको उस तरह से दिख रही है, तो ये समान है, ये अलग है, अच्छा ये अलग भी चीज़ है। तो फिर जो भक्ति दूसरी पद्धति से कर रहे हैं उनको हमें डिसमिस नहीं करना कि तुम गलत हो, कि तुम जो कर रहे हैं वो उस मार्ग से आपको कुछ और चीज़ें दिख सकती है, हमें कुछ और चीज़ें दिख सकती है। तो all the religions are for God,
गॉड इज नॉट फॉर द रिलीजियंस. धर्म का उद्देश्य भगवान है, भगवान धर्म के लिए नहीं है, धर्म भगवान के लिए है. तो कभी क्या होता है, कुछ धर्म होते हैं कहते हैं कि दे मेक गॉड देयर मोनोपोली प्रोडक्ट, कि भगवान हमारे ही मार्ग से मिलते हैं और किसी मार्ग से भगवान मिलते ही नहीं है. ऐसे नहीं है. तो अभी व्यवहारिक रूप से हमारी संस्था कुछ हद तक तत्वज्ञान के स्तर पे हम काफी इंक्लूसिव हैं, पर व्यवहारिक स्तर पे काफी हम कभी कभी संकीर्ण हो जाते हैं. तो इसके लिए एक 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 ये व्यवहारिक है. कई भक्त कहते हैं कि आप गौड़िया मठ के सन्यासियों से भी के भक्तों से संग मत करो. तो अभी क्या, गौड़िया मठ तो हमारे ही एक तरह से कजिन से हो, हमारे चुलते जैसे है, एक ही संप्रदाय में, तो हम उनसे संग क्यों नहीं करें. तत्वज्ञान के स्तर पे कुछ गलत नहीं है, पर कुछ ऐसे हुआ है कि कभी कभी गौड़िया मठ के भक्तों ने इस्कॉन के भक्तों को खींचने का प्रयास किया है और फिर कुछ भक्त वहां पे गुमराह हो गए हैं. और इसलिए थोड़ा हम संरक्षण, थोड़ा हम चौकन्ने रहते हैं. तो हमें जब मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, उसका छोटा बच्चा, उसका अपहरण एक बार हो गया और फिर माँ बच्चों को बोलती है कोई भी अजनबी व्यक्ति उनसे बात मत करो, वो तुमको अजनबी दिखता है यू नो, वो किडनैपर हो सकता है, अपहरण किडनैपर के अपहरण करने वाला हो सकता है. तो अभी वो बच्चे का वो उद्देश्य आ जाए कि वो बच्चे को ऐसे नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति को जाके बोले तुम अपहरण करने वाले हो. नहीं वो क्या है, वो उद्देश्य किस लिए बताया समझना चाहिए. सो स्टेटमेंट्स विच आर मेड आउट ऑफ कॉन्टेक्चुअल इमोशन शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रांसेंडेंटल टीचिंग. जो किसी परिस्थिति के कारण कोई वाक्य बताया गया, ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो उस परिस्थिति में सही है, पर उसको हम सिद्धांत बना देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा. अगर कोई कहता है कि अगर कोई इस्कॉन में भक्ति नहीं करता है तो कोई भगवत धाम नहीं जाएगा, अभी इस्कॉन का नाम शास्त्रों में ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते इस्कॉन के द्वारा ही कोई भगवत धाम जाएगा, ऐसे नहीं है. भगवत धाम जाने के लिए कृष्ण प्रेम की जागृति होनी है, और अगर किसी के भगवत प्रेम की जागृति हो रही है तो फिर भगवत धाम जाएगा. तो हर एक संप्रदाय में कुछ ऐसे कह सकते नैरो स्टेटमेंट्स होगी, एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट जो होते हैं वो होगी, पर वो वाक्यों को विधानों को कैसे समझा जाता है वो महत्वपूर्ण है. अगर उनको एब्सोल्यूट बना देंगे तो फिर वो संकीर्ण वाली हो जाएगी, पर अगर वो संदर्भ के अनुसार समझेंगे, अगर मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, वह 10 डॉक्टर के पास गया है और फिर 11वें डॉक्टर के पास आया है और 11 डॉक्टर बोलता है ठीक है तुमको ये बीमारी है, तुम ये दवाई लो, तुम ठीक हो जाओगे एक हफ्ते में, पर ये डॉक्टर कहने लगे, बीमार व्यक्ति कहने लगता है, रुग्ण कहने लगता है कि पर मैं उस डॉक्टर के पास गया था उसने ये कहा था, और मैं उस डॉक्टर के पास गया था उसने ये कहा था, और मैं उस डॉक्टर के पास गया था उसने ये कहा था. तो मतलब जो बाकी सब डॉक्टर ने कहा है भूल जाओ, तुम अभी जो मैं बोलता हूँ तुम करो और तुम ठीक हो जाओगे. अभी जब ये डॉक्टर ऐसे कह रहा है, बाकी जब डॉक्टर ने कहा भूल जाओ, इसका जरूरी नहीं है, इसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि वो सब डॉक्टर गलत है. कहने का मतलब ऐसे एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स आर मेंट फॉर क्रिएटिंग फोकस, नॉट फॉर क्रिएटिंग फैनाटिसिज्म. तो फोकस और फैनाटिसिज्म में फर्क होता है. तो क्या है कि अगर जो वाक्य फोकस करने के लिए बताया गया वो अगर हम एब्सोल्यूट ले लेते हैं तो फिर फैनाटिकल हो जाते हैं. तो हमें वो संदर्भ समझना बहुत जरूरी है. तो हम अभी एक संस्था में है तो हमें कुछ लिमिटेशन स्वीकार करनी पड़ेगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें क्योंकि हम संस्था के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, संस्था के ओर से हम प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ वाक्य हम जो हमें इस तरह से बोलने पड़ेगी जो हम जो संस्था के अनुसार अप्रोप्रिएट है, तो दैट इज़ ओके. पर उसको हम संदर्भ देके अगर बताइए तो उससे फैनाटिसिज्म नहीं होगा. हम ऐसे वो संस्था के जो लिमिटेशन है उसको हम निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वी आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. तो अगर हम एक व्यक्तिगत रूप पे कुछ कर रहे हैं तो विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन,
तो फिर देन वी कैन से वॉट एवर वी वॉन्ट. बट अगर हम संस्था के ऑन बिहाफ ऑफ संस्था के बिहाफ से के बद और से हम बोल रहे हैं, संस्था जो सुविधाएं दी है उसके अनुसार बोल रहे हैं, तो फिर हमें संस्था के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते. पर हम कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हैं, संदर्भ देकर समझा सकते हैं कोई वाक्य है, बट वो लिमिटेशन हर जगह पे आएगा. वो लिमिटेशन के बिना हम कार्य नहीं कर सकते. जैसे किसी को एक उदाहरण के साथ अंत करवाया आंसर कैसे है कि यू कुड से एन इंस्टीट्यूशन इज लाइक अ गन. तो अगर किसी को युद्ध करना है तो अभी कुछ कुछ गन होते हैं वो बड़े बोझा होता है. वो गन को जब युद्ध नहीं चल रहा है तो वो गन को हमेशा कैरी करना एक बहुत बड़ा बोझा होता है. पर जब युद्ध करना है और गन नहीं है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी आएगा. तो अभी हम जो भी संदेश दे, हम जो कुछ भी बताना चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन वो एक गन के समान है. तो अगर हम इंस्टीट्यूशन में हमको कुछ पोजिशन है तो क्या होगा, वो जैसे उसके कारण एक अथॉरिटी आता है, तो वो गन से गोली मारते हैं या हाथ से गोली फेंकते हैं, बहुत फर्क है. तो वैसे अगर हम एक व्यक्तिगत रूप में कुछ वाक्य बोलेंगे तो उसका भी कुछ प्रभाव होगा, पर वो हमारे व्यक्तिगत कैरिज्मा, हमारे व्यक्तिगत प्रभाव पर निर्भर है कितना प्रभाव होगा. तो जो संस्था है उससे हमको सुविधा मिलती है कि जो भगवान का उपदेश है उसको अलग अलग जगह पर फैलाए, पर वो एक गन के समान है. पर गन यूज करते समय दो समस्या हो सकती है. एक है वो गन को उठा के ले जाना बोझा होता है, और कभी भी गन से हम गलत लोगों को भी दूर से शूट कर सकते हैं. तो संस्था के अनुसार कार्य करने के कारण कुछ सीमाएं आ जाती हैं हम पर, और बोझा लग सकती है. दूसरा क्या है कि संस्था के नाम पे हम कुछ गलत भी बोल सकते हैं और लोगों को घायल भी कर सकते हैं. तो पर वो दैट्स भक्तिदास जो अगर कहते हैं नेसेसरी इविल, या वो पार्ट ऑफ द गेम है. ये एक अनिवार्य दोष के समान है, नेसेसरी इविल है. कई बार बिना गोली के गन से डरा. ओह गॉड. मैं एक बार एक चित्र देखा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे सेमिनार था, एक भक्त दे रहे थे कि ये जो कुछ प्राचीन योद्धा होते वो ऐसे एक्स लेके कुल्हाड़ी लेके युद्ध कर रहे हैं, तो दोनों जोर से मार रहे हैं और दोनों कुल्हाड़ी पे लिखा हुआ है प्रभुपाद से प्रभुपाद से. तो प्रभुपाद जी के विधान लेके तो योद्धा युद्ध कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है. So do we need a break or should we continue and complete? कैसे करना है? Normally आप कब तक लेते हैं? I am okay. I'm not going to, I don't think I'll go to any other topic. इसी पे हम सवाल करके complete कर देंगे फिर. We can have more questions. Okay, sure. When you said that charge कर सकते हैं, discharge हो रहा है. ठीक पहुंच जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा. हाँ बोलिए. जब आपने कहा कि sometimes it may happen that we need not take all the instruction of Prabhupada or all the statement of the Prabhupada in its absolute sense. So some are time context, context में होता है, situation context में होता है. So इसके अनुसार अगर देखा जाए तो उनसे Prabhupada के statements को जैसे कुछ लोग कहते हैं कि purports of the Prabhupada that's written in the books can be given higher priority than what his conversations and lectures are. So accordingly agar koi vyakti jaise aapne abhi kaha 2x ka example bhi bataya ki what Prabhupada said people argue on that. So perspective of differences of the perspective on the same statement can create an argument. Yes. So ye jo organizational heresy jise kehte hain ya heretic behavior, how we can understand that what can be considered an organization or institution, kaun se vakya jo hai jaise aapne jo kaha bhi ki Prabhupada ke sare statements ko hame ya phir Prabhupada ko agar ye banana nahi matlab like god nahi banana hai god nahi banana hai ya unke sare statement ko
as it is absolutely samasya. Some people may consider this a heretic behavior. Okay. So, कौन सी चीजों को कहेंगे कि ये ये out of it is going out of the boundary line or some cases? अच्छा. तो अगर हम कहते हैं कि प्रभुपाद जी के सारे वाक्यों को एब्सोल्यूट नहीं लेना है तो फिर कोई इसको ही अपसिद्धांतिक कह सकता है. तो फिर फाउंडर आचार्य प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य हैं तो फिर उनके विधानों को हम अथॉरिटी देंगे तो कैसे करेंगे हम, क्या हमारे संस्था चलेगी कैसे? देखिए ये बहुत ही संवेदनशील शब्द विषय है, इसलिए मैंने कहा कि सिद्धांत जो है ये ऐसे एक लाइन नहीं है, ये एक सर्कल है. और अगर कोई कहता है कि हम एक्सट्रीम से चालू कर सकते हैं, अगर कोई कहता है कि एक्चुअली कृष्ण, आप कृष्ण को भगवान मानो या ना मानो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अरे ये तो हमारा सिद्धांत है. तो एक तरह से अभी मैं शास्त्रीय एडवाइजरी काउंसिल में हूँ और ये एक बड़ा विषय, इसको हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं. हर्मेन्यूटिक्स मतलब द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ बॉडी ऑफ नॉलेज. कि अगर किसी के बिब्लिकल हर्मेन्यूटिक्स मतलब बाइबल को कैसे समझा जाए, तो प्रभुपाद हर्मेन्यूटिक्स मतलब प्रभुपाद जी के वाक्य को कैसे समझा जाए. भागवतम हर्मेन्यूटिक्स मतलब भागवतम को कैसे समझा जाए. तो ये एक बड़ा विषय है और उस पर अभी तक चर्चा हो रही है और इसमें कोई कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला है. पर ब्रॉडली क्या है कि प्रभुपाद जी ने स्वयं हमको ऐसा कोई दीज आर द एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ माय फिलॉसफी ऐसे दिया नहीं है प्रभुपाद जी, कि ये हमारा कोर सिद्धांत है ऐसे प्रभुपाद जी ने बताया नहीं कहीं. तो इसके अलावा ना कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को एक एकदम कोर सिद्धांत मान सकते हैं. ये ऐसा चीज़ है, ये बदल नहीं सकते, ये बिल्कुल मूलभूत है. पर कैसे हम समझेंगे मूलभूत है? एक तरह से तो अभी एक प्रस्ताव जो यूबीसी ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर ने जो दशमूल तत्व दिए हैं उसको हमारा केंद्र मान सकते हैं. तो दशमूल तत्व जो है ना, उसमें वास्तव में एक तरह से कुछ विवादास्पद नहीं है. वो क्या है कि हम सब शरीर नहीं है, आत्मा है, जीव भगवान का अंश है, शास्त्र आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत है और शास्त्रों का निष्कर्ष है कि भगवान कृष्ण है, भक्ति के द्वारा ही कृष्ण की प्राप्ति होती है. ऐसे 10 चीज़ें उन्होंने बताई हैं और वह एक तरह से हमारे संप्रदाय की मूल शिक्षा है. और क्या है कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी जो थे, हाउ डू आई पुट इट, वी आरसेल्व्स हैव अ हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड ऑफ प्रभुपाद स्टेटमेंट्स विच वी डू नॉट हैव फॉर द प्रीवियस आचार्यस. मतलब कि प्रभुपाद जी ने जो हर जो वाक्य बोला है किसी को, वो सब हमने रिकॉर्ड किया, पर ऐसा पूर्व आचार्यों का नहीं है हमारे पास. तो अभी भक्ति सांस ठाकुर ने जो अपने नॉर्मल बातचीत में क्या क्या बात की है, वो सब किसी को किसी ने बताया, उतना उसका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है. अगर जीव गोस्वामी का देखेंगे, विश्वनाथ ठाकुर का देखेंगे, तो उन्होंने अभी विश्वनाथ ठाकुर तभी वो थे जब अभी औरंगजेब आके गया था और औरंगजेब ने सारा वृंदावन को उध्वस्त कर दिया था और उसके बाद में उन्होंने जाके वृंदावन की पुनर्स्थापना की है एक तरह से. पर उन्होंने तो अपनी गीता कमेंट्री में या भागवतम कमेंट्री में कहीं भी उन्होंने मुस्लिम रूलर्स के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया. तो जरूर वो बातचीत में तो आया होगा क्योंकि तो इतना महत्वपूर्ण था उस समय, पर उनके ग्रंथों में कुछ भी नहीं है. तो क्या है कि पूर्व आचार्य अपने स्क्रिप्चुरल कमेंट्री में सोशल कमेंट्री नहीं दिया करते. शास्त्रों पे जो व्याख्या देते थे केवल वो शास्त्र का सिद्धांत बताते, तभी वह सामाजिक विश्लेषण नहीं किया करते थे. पर प्रभुपाद जी ये पहले आचार्य है जिन्होंने स्क्रिप्चुरल कमेंट्री में सोशल कमेंट्री किया है. तो ये दो चीजें बता रहे थे, एक तो क्या है प्रभुपाद जी के ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन सारे जो है वो सब हमने रिकॉर्ड किए हुए, और दूसरा है कि प्रभुपाद जी ने
और खुद भी अपने शास्त्रों में भी सोशल कमेंट्री डाला है। और एक तरह से जरूरी था क्योंकि प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे तो वह एक ऐसे समाज में थे जो जो पारंपरिक समाज से बहुत अलग था, तो इसलिए सोशल कमेंट्री भी प्रभुपाद जी को देना पड़ा। विश्वनाथ ठाकुर जो थे वह जो जो शास्त्रों में उनको श्रद्धा थी उनके लिए ही ज्ञान देते थे। तो कैसे था ये बड़ा विषय है कि पहले मोस्ट ऑफ द नॉलेज, पहले जो ग्रंथ थे वो केवल ब्राह्मण लिखते थे ब्राह्मणों के लिए। वहाँ पे पहले गटेनबर्ग ने प्रिंसिपल ये प्रिंटिंग प्रेस बनाने के पहले एक ग्रंथ का पुनः छापना भी बड़ा मुश्किल था। अब देखते हैं गदाधर पंडित से जब उनको सीखना, श्रीनिवास आचार्य को सीखना था तो उनको भागवतम नहीं मिल रहा था कि भागवतम को पूरा लिखना आसान काम नहीं है, तो ग्रंथ इतने आसानी से नहीं मिलते थे कभी। तो ग्रंथ एक पंडित दूसरे पंडितों के लिए लिखा करते थे बस, और अधिकांश जो ज्ञान था व्यावहारिक ज्ञान जो था वो ओरल ट्रेडिशन से ज्यादा था, रिटन ट्रेडिशन से नहीं ज्यादा था। ओरल ट्रेडिशन मतलब हर गांव में कोई कोई पंडित हो गए, कोई आने जाने वाले साधु हो गए और वो ज्ञान दिया करते थे और उसके अनुसार लोग अपना जीवन जिया करते थे। तो फिर क्या उसके कारण एक अपने आप कॉन्टेक्चुअल नॉलेज और रिटर्नल नॉलेज का सेपरेशन हो गया था। जब पंडित पंडितों के लिए लिख रहे हैं तो फिर वो तत्व ज्ञान पे जखेंगे, पर जब आप कोई बातचीत कर रहे हो किसी से, कोई कथा बता रहे हो, तो कुछ व्यावहारिक चीज़ें भी उसमें बता दोगे। तो प्रभुपाद जी के सामने ये एक अद्वितीय चुनौती थी कि उनको ओरल ट्रेडिशन और रिटन ट्रेडिशन दोनों को अपनी किताबों के द्वारा देना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो सोच में बोला सामाजिक विश्लेषण भी अपने ग्रंथों में दिया है, और अभी वो सामाजिक विश्लेषण उस समय के अनुसार होता है। तो अभी अगर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में एक बड़ा संघर्ष चल रहा है और अभी दोनों में अगर कोई समझौता नहीं हो जाएगा तो विश्व का नाश हो जाएगा, तो अभी कम्युनिज्म है ही नहीं लगभग कहीं, तो वो क्या, तो वो संदर्भ में प्रभुपाद जी ने बताया। तो इसलिए क्या है, संदर्भ को समझना ये बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम प्रभुपाद जी को हम कहेंगे मैम फेथफुल है प्रभुपाद से, पर हम प्रभुपाद जी को मिसरिप्रेजेंट कर देंगे, मिसरिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसलिए संदर्भ समझना ज़रूरी है। और जो प्रभुपाद जी के तो कुछ चीज़ें ऐसे सकते कोई कहेगा कि ये मूल है, तो कोई कहेगा ये मूल नहीं है, तो फिर इसमें थोड़ा वाद विवाद कर सकते हैं, कोई थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ लोगों के अलग अलग मत भी हो सकते हैं, पर यह जो ग्रे जोन है वह बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कुछ कुछ विषयों पर है। और अधिकांश रूप से अभी कोई भी भक्ति नहीं कहेगा कि कृष्ण भगवान नहीं है, कोई कहेगा तो उसको तुरंत हम कहेंगे ये डिविएशन है। पर कोई वक्त कहता है कि अगर आपको प्रचार करना है आपको धोती कुर्ता पहन के प्रचार करना चाहिए या शर्ट पहन के प्रचार करना चाहिए, तो ये क्या है, ये जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि देर आर प्रिंसिपल्स एंड देर आर डिटेल्स, तो जो डिटेल्स में कुछ भेद हो सकता है, तो अभी क्या प्रिंसिपल है क्या डिटेल है इसमें भी थोड़ा बहस हो सकता है, पर ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि ये फ़र्क है। और सबसे बड़ा खतरा कब आता है, जब कोई एक भक्त सोचने लगते हैं कि मैं जानता हूँ प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, कि आई नो वॉट प्रभुपाद वॉन्टेड। और एक प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य को पूछा गया था कि क्या वो बहुत इस्कॉन की निंदा करते हैं, और बोले कि तो आप इस्कॉन छोड़ के जाने वाले हो क्या, कि इतनी इस्कॉन की निंदा कर रहे थे, मुझे इस्कॉन छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, इस्कॉन ने मुझे छोड़ दिया है। मैं वही कर रहा हूँ जो प्रभुपाद जी बोला करते थे, इस्कॉन ने जो प्रभुपाद जी बोले थे वो कर रहा छोड़ दिया। अभी ये एक तरह से एक बहुत बड़ा अहंकार है ये, कि मतलब प्रभुपाद जी के इतने सारे शिष्य हैं वो सब गलत है और मैं अकेला सही हूँ, ये जो भाव है ये उचित नहीं है। हम कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने भी अलग अलग चीज़ें की हैं अलग अलग परिस्थिति में, तो हर एक भक्त जो है अपने अनुभव के अनुसार, अपने साक्षात्कार के अनुसार, अपने शास्त्र के ज्ञान के अनुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्रों का जो कृष्ण भावना का प्रचार है वो करेगा अपने पद से। और आपको किसी को लगता है कि कोई बहुत गलत कर रहा है तो फिर आप GBC को रिपोर्ट कर सकते हैं, कुछ बातचीत कर सकते हैं उसके बारे में, या फिर एक तरह से समय दिखाएगा, टाइम विल शो। अगर कोई गलत कुछ कर रहा है तो मतलब वो जो भक्ति कर रहे हैं वो अगर पेड़ के जड़ को नहीं जा रही है, पेड़ के जड़ को पानी नहीं जा रहा है, तो फिर वो पत्ता सूख जाएगा।
अगर पत्ता सूख नहीं रहा है, पत्ता फल फूल रहा है, तो फिर वो वृक्ष फल फूल रहा है तो मतलब पानी जड़ को जा रहा है, फल ही न परिचय थे। तो इसलिए अगर किसी को कुछ एक समस्या होती है कि डिवोटीज टॉक अबाउट इच अदर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विथ इच अदर, लोग एक दूसरे के बारे में बात करते, एक दूसरे से बात नहीं करते, अरे इसने ऐसे किया, अरे उसने वैसे किया, अरे उसने वैसे किया, तो वैसे ही होता है तो फिर उससे बहुत प्रज्वलित हो जाता है, बहुत निंदा हो जाती है। तो इस्कॉन बहुत बड़ी संस्था है और इतनी बड़ी संस्था है कि अलग अलग भक्त अपने अपने विचारों से भी भक्ति कर सकते हैं। तो कुछ चीजें अनएक्सेप्टेबल होगी, पर वो अनएक्सेप्टेबल क्या है वो किसी एक भक्त को जज बन के नहीं फैसला करना कि ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर आपको लगता है कुछ अनएक्सेप्टेबल है तो आप कम से कम ऐसे मत करो, जो गलत कर रहे हैं वो गलत वो पता चल जाएगा आपको, सबको पता चल जाएगा। अगर वो खुद कृष्ण भावना से पदभ्रष्ट हो जाएगा, अगर आपको लगता है बहुत गलत है तो फिर कोई अथॉरिटीज को रिपोर्ट करो और देखते वो क्या करते हैं। तो इसको ये जरूर हर एक धार्मिक संस्था में ये समस्या आती है कि क्या है, कि कौन से क्या सही है क्या गलत है, क्या एक्सेप्टेबल है क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, और हर एक चीज़ को हर एक को ढूंढना है। और कोई भी ऐसे संस्था इसके इसको एस्केप नहीं कर सकती है, क्या कर सकते, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। कंजर्वेटिव और लिबरल कहते हैं इसको, कंजर्वेटिव होते हैं जो सब कुछ वैसे का वैसा रखना चाहते हैं, लिबरल जो होते हैं जो कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। तो कौन सही है पता नहीं है उनको, तो जिस ऐसे रास्ता है, मान लीजिए पहाड़ों से रास्ता है, कभी वो लेफ्ट की ओर मुड़ता है कभी राइट की ओर मुड़ता है, कभी लेफ्ट कभी राइट की ओर, तो अभी आगे का रास्ता कहाँ है ये हमको पहले से पता नहीं। यहाँ पे हमको रोशनी डालनी है, दूसरों को पूछना है आप यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे गिर जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं नहीं गिर रहे। तो जो कंजर्वेटिव लिबरल है अगर उन्होंने बातचीत करेंगे तो फिर हम सही सही सिद्धांत सही समझ पर पहुँच सकते हैं। ओके तो अगर माधव चैतन्य महाप्रभु जब तत्ववादियों से मिलते हैं तो कहते हैं कि आपने जो कहा है वो सही है, पर हमारे आचार्य ने हमको ये बताया इसलिए हम उसको स्वीकार करेंगे। ये अभी ऐसे इसमें तीन बम हैं। इस सवाल में तो हम देखते हैं कितने बम फोड़ने हैं अभी। तो ओके सबसे पहले ऐसी चीज है कि हर परंपरा में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप एक फ्रेमवर्क को स्वीकार करते हैं तो एक चीज को स्वीकार करते। मैं कैम्ब्रिज में गया था, वहां पर लेक्चर देखे, उसका कैम्ब्रिज का टूर लेके गए थे, वहां पर टूर गाइड होते तो बता रहे थे कि इट्स वेरी नाइस प्लेस, ऐसा लाइब्रेरी है या ऐसा है, बट समटाइम्स बैड थिंग्स हैपन ओवर हियर। तो ये तो बुरी चीज़ें होती है, क्या बुरी चीज़ें होती है, ऑक्सफोर्ड से कुछ बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। अभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है ये दो प्रतिस्पर्धी इन यूनिवर्सिटीज़ है, तो कैम्ब्रिज कहते हैं ऑक्सफोर्ड से कोई यहाँ पे आ गया तो ये बुरी चीज़ हो गई यहाँ पे। तो बिल्कुल अलग है पूरा। तो क्या है, हर एक चीज़ हर एक क्षेत्र में ऐसे इस तरह से विवाद होते हैं। तो कुछ कुछ अभी एक कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है तो उसको ये स्वीकार कर, वो अगर वो कैम्ब्रिज में है तो कैम्ब्रिज के अनुसार उसको बात करनी पड़ेगी। अगर वह ऑक्सफोर्ड में जाएगा तो ऑक्सफोर्ड के अनुसार बात करेगा। तो अगर कोई भी एफिलिएशन होता है तो उससे कुछ लिमिटेशन तो ज़रूर आएगा ही, और उसको स्वीकार करना है हमको, पर वो किस तरह से स्वीकार करते हैं वो हमको देखना है। अभी भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं एक जगह पे कि चेतन शिक्षामृत में वो बताते हैं कैसे एक चेतन महाप्रभु ने जो भगवान कृष्ण का जो वर्णन किया है वो अद्वितीय, पर वही भक्तिविनोद ठाकुर दूसरी जगह पे ये भी कहते हैं कि हमें वी डोंट हैव टू प्रूव द कंट्रोवर्शियल सुपीरियरिटी ऑफ आवर ट्रेडिशन ओवर अदर ट्रेडिशंस, बट वी शुड वर्क विद ऑल ट्रेडिशंस टू रेज पीपल्स कॉन्शियसनेस। कहते हैं कि हमें हमारी परंपरा सब परंपराओं से कैसे पड़ी है
यह साबित करने की कोई जरूरत नहीं। एक जगह उन्होंने कहा है चैतन्य महापुरुष जो दिया है भगवत का दर्शन, भगवान का वर्णन, वो अद्वितीय है। तो दूसरी जगह पे वही कह रहे हैं कि इसको हमको दूसरों के ऊपर लादने की, दूसरों से हमारा वर्चस्व साबित करने की कोई जरूरत नहीं है हमको। तो इसका मतलब क्या है, इसमें देश काल पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी कोई भक्त कोई परिस्थिति में हमको एक व्यवहारिक रूप पे एक संस्था के रूप पे कोई जवाब देना पड़ेगा, कोई बातचीत जैसे करनी पड़ेगी, पर व्यवहारिक रूप पे कुछ और अलग हो सकता है, दैट्स ओके। तो ये क्या कहाँ तक कौन करेगा, ये अलग अलग किससे हो सकता है, वो दैट डिफरेंस। बट उसका जरूरी नहीं है कि वी हैव टू मेक दैट इनटू अ कोर इश्यू। डज आंसर क्वेश्चन? सॉरी, लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया इसी के चीज में रहना ही ये भक्ति से कनेक्टेड है, या कोई व्यक्ति अगर कहे कि not only ISKCON, other part also can be well bona fide. So, अगर कोई ऐसा सोचता है तो can be considered heresy within the ISKCON, or he has to migrate to some other place. Depends. क्या कोई और क्या यही सही मार्ग है, कोई और अभी सही मार्ग है, कैसे कह सकता है कोई? देखिए, इसमें कहना खुद हम मान लीजिए कोई अभी माधव संप्रदाय में, ईश्वरी संप्रदाय में कोई बहुत अच्छे विचारवान स्कॉलर है और वह कोई अच्छा सोशल एनालिसिस करते हैं आजकल के समाज में, आजकल के समाज स्पिरिचुअल, तो उससे हम सीख सकते हैं, उसमें कुछ समस्या नहीं है। बट एक है कि हम व्यक्तिगत रूप पे सीखना, दूसरा है उनको प्रमोट करना। तो इन आर ट्रेडिशन वी विल प्रमोट द टीचर्स ऑफ आर ट्रेडिशन। बट अगर हमें किसी और से कुछ सीखना है तो ऐसे नहीं कि सीखने पे पाबंदी डालते हैं, पर अगर हम ऐसे ऐसे ये होता है क्या है कि क्या है, बहुत अच्छी कहा सेंटेंस था, याद नहीं आ रहा है। एजुकेशन रिक्वायर्स लिमिटेशन फॉर एक्सपांशन। कोई भी शिक्षण होता है उसमें सबसे पहले लिमिटेशन आता है। मतलब क्या है कि आप भी कोई शिक्षण पद्धति है, मतलब आप ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ये आपका सिलेबस है। तो मतलब ये किताब पढ़ो मतलब आप ये किताब नहीं पढ़ोगे, कि जब विद्यार्थी होते हैं उनको क्या ना तो इतनी रुचि होती ना इतना समझते कि हर किताब पढ़ेंगे। तो अगर जब कोई सिलेबस लाते हैं तो एक तरह से लिमिटेशन आता है, पर वो लिमिटेशन से क्या होता है, उनका ग्रोथ होता है, उनका एक्सपेंशन होता है। फिर बाद में अगर उनको किसी एक विषय में आगे बढ़ना है तो फिर वो उस विषय के अलग 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 ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। उनको पता लगा अभी कोई इंडियन हिस्ट्री में कोई पीएचडी करना चाहता है तो हिस्ट्री एक किताब में आप पूरा कर सकते हैं, कोई सेवन स्टैंडर्ड में, आठवीं सातवीं आठवीं कक्षा में, एक किताब में 100-200 पेजेस की किताब हो सकता है। और अगर आप पीएचडी करना है आपको, तो मेरे एक मित्र है, वो अकबर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था कि अकबर ने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को साथ में लाके उसमें वो उस साथ में लाने का प्रयास करते। तो मेरे ये भक्त है, उन्होंने पीएचडी किसमें किया है कि जो अकबर ने जो कंबाइंड रिलीजन बनाने का प्रयास किया था, उस कंबाइंड रिलीजन के लिए में गौड़िया वैष्णव का क्या प्रभाव था। तो मतलब वो जो धर्म था वो 2-3 साल के लिए कुछ चला उनका, उसके बाद का चला नहीं, और उसमें उन्होंने हिंदू धर्म से कुछ लिया, क्रिश्चियन इस्लाम से कुछ लिया, पर उन्होंने उसमें गौड़िया वैष्णव का इन्फ्लुएंस था। मतलब ये आप कहते हैं इतिहास का एक छोटा सा भी एक भाग है उसमें आप बड़ा, तो उनके पीएचडी लगभग 450 पेजेस का किताब है,
तो 450 पेजेस उसमें क्या है, वो एक छोटा सा विभाग है. सो देर इज लिमिटेशन इनिशियली फॉर एक्सपेंशन इवेंचुअली. तो इसीलिए जब भी कोई शिक्षण प्राप्त कर रहा है तो सबसे पहले लिमिटेशन जरूरी है. मतलब सबसे पहले जैसे भक्त ने आता प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ो आप, तो वो क्या एक तरह से सिलेबस है. अगर आप इस संस्था में आते हैं तो आप इस सिलेबस फॉलो करो. बाद में जब आप पीएचडी करने जाओगे तभी आप अलग अलग ग्रंथ पढ़ सकते हो. पर अगर कोई केजी में है और वो आपको जो किताब चाहिए पढ़ो बोलेंगे, तो फिर क्या है, वो कुछ सीख शायद सीख भी नहीं पाएगा, कंफ्यूज जाएगा वो. तो क्या है, पहले लिमिटेशन ज़रूरी है और कुछ साल तक लिमिटेशन बहुत आवश्यक है. ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो. और ऐसे नहीं उससे हम संकीर्णवादी बना रहे हैं क्या, नहीं. एक्चुअली एवरी एजुकेशन इन्वॉल्व्स लिमिटेशन. कोई भी शिक्षण मतलब क्या है, एक तरह से लिमिटेशन है. अगर आप अंग्रेजी भाषा सीखते हो, मतलब जो समय आप अंग्रेजी सीखने में लगा रहे हो वो शायद आप तमिल सीखने में नहीं लगा रहे हो, वो बंगाली सीखने में नहीं लगा रहे हो, वो फ्रेंच सीखने में नहीं लगा रहे हो. पर आप अंग्रेजी समझ जाओगे तो फिर बाद में अगर बेसिक प्रिंसिपल्स लैंग्वेज के समझ आएंगे तो आप दूसरी भाषा भी सीख सकते हो. तो लिमिटेशन ज़रूरी है. लिमिटेशन के बिना हम कुछ भी सीख नहीं सकते. बट लिमिटेशंस डोंट हैव टू मेक आवर वर्ल्ड व्यू लिमिटेड. लिमिटेशन से हम हमारा विचारधारा विकसित कर सकते हैं, विचार करने की शक्ति को विकसित कर सकते हैं और फिर बाद में हमारे ज्ञान को भी विस्तारित कर सकते हैं. तो पहले हमारे सिलेबस के रूप में प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं और उसके अनुसार ही हम सीखते हैं, सिखाते हैं. पर आगे से हम बढ़ेंगे तो हम अलग अलग संप्रदाय से भी पढ़ सकते हैं. पर हमको जो नए भक्त आ रहे हैं उनको कन्फ्यूज़ नहीं करना है. हमको क्या है कि जो जिस स्तर पे है उसके अनुसार हमको ऊपर उठाना है. तो अगर जो केजी में है उसको अगर पीएचडी लेवल का मैथ्स बता दोगे आप तो बोलेंगे केजी से उठ के चला जाएगा, जमने का नहीं मुझे. तो उनको केजी लेवल का बताओ, जो पीएचडी पे आएगा तो सर पीएचडी लेवल का बताओ. दैट्स आंसर क्वेश्चन. यू वांट टू ऐड समथिंग? If this question is asked that Bhakti Siddhanta Sir Thakur started Gaudiya Math, Prabhupada, did he change it and made it into ISKCON? Can we say, is Gaudiya Math in ISKCON? Is ISKCON in Gaudiya Math? What is ISKCON? Is Gaudiya Math included in ISKCON? As per my understanding, Prabhupada did want to use Gaudiya Math name because at that time the Gaudiya Math name was... We are not talking about name, we are talking about the... No, it is part of Gaudiya Sampradaya. So in one sense, if you just look into the definition of ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, it is now Inter-Temple Society for Krishna Consciousness. It's not just the temples, you know. Within that, what is Krishna consciousness is ISKCON. Prabhupada is an international society for Krishna consciousness, which means internationally, globally, wherever you can become Krishna conscious. That is ISKCON. That famous pastime when one disciple asked Prabhupada, is Joan of Arc mentioned in Bhagavatam? So Prabhupada asked, who is Joan of Arc? So this devotee mentioned that, was a saint, Christian saint, and very humble, tolerant, and patient. Prabhupada said, well, wherever Joan of Arc is mentioned, she will be. So in that sense, Srimad Bhagavatam is so expensive. Same is ISKCON. So if I want to make a butter halwa for Madan Gopal, then maybe some Sanjeev Kapoor's cookbook will help me. And if someone says no, that is deviation. Only kurma cuisine. Only kurma's cuisine or Ramana Devi's book. Only that has to be referred. वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो किसी बोला कि कभी कभी आजकल बहुत डिविएशन हो रहा है हमारे. क्या डिविएशन हो रहा है?
कि ये भक्त हरे कृष्ण कीर्तन बॉलीवुड फिल्मी ट्यून में कर रहे भाई। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड की बॉलीवुड इतना अशुद्ध है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र को अशुद्ध बना देता है कि इस बॉलीवुड कंटेमिनेटिंग पोटेंसी मोर देन हरे कृष्ण मंत्र ऑफ प्यूरिफाइंग यार वास्तव में वो बॉलीवुड ट्यून नहीं है, बॉलीवुड ने कुछ पहले से ट्यून लिया है, हमने पहले बॉलीवुड को सुना है वो, ऐसे नहीं है बॉलीवुड ने निर्माण किया है वो। तो अगर किसी भक्त को अगर वो ट्यून सुनने से कृष्ण की स्मृति नहीं हो रही है, बॉलीवुड की स्मृति हो रही है, तो दैट इज देयर पर्सनल प्रॉब्लम। नहीं पर आपको देख रहा है आप किस आप क्या याद दिला रहे हैं लोगों को। I wouldn't call that as a उसको deviation नहीं बोलना है, अगर कुछ हो सकता है कि it may not be appropriate in certain situations। तो अगर कोई कोई चीज किसी को कुछ याद, हमको ultimately भगवान की याद दिलाना है, तो अगर भगवान की याद नहीं आ रही किसी को किसी चीज से या किसी और चीज की याद आ रही है, तो फिर हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। पर इसका मतलब नहीं कि वो गलत है, इट्स नॉट सिद्धांतिकली रॉन्ग, इट माइट बी कॉन्टेक्चुअली इनअप्रोप्रिएट। सिद्धांत गलत नहीं है वहां पे, कुछ कुछ सब चीज को हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अजीब है कि जो अभी हम सब ने, अभी मैंने इंग्लिश सीखा है, आपने हिंदी सीखा है, ये किससे सीखा हमने? ये अभक्तों से ही सीखा है हमने। तो भक्ति के भक्ति में आने के पहले कुछ अभक्तों से सीखा है तो सही है, भक्ति में आने के बाद कुछ अभक्तों से सीखे तो नहीं सीखना चाहिए। तो ऐसे क्यों है? पर डेंजर इसमें क्या है कि अगर हम कहीं और से कुछ सीखते हैं तो द टू थिंग्स, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य की ओर हम कैसे जाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है यह हम गुरु साधु शास्त्र से सीखते हैं, उस उद्देश्य की ओर जाना कैसे है वह हम शास्त्र से सीख सकते हैं, दूसरी चीजों से भी सीख सकते हैं। जैसे अभी भगवान किसका कीर्तन करना है, भगवान का कीर्तन करना है, यह हम शास्त्र से सीखेंगे, पर वो कैसे कीर्तन करना है, कोई एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट अगर सीखना है, कोई और ट्यून सीखनी है, तो हम किसी और से भी सीख सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है कुछ। तो जो भी है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पर्पस एंड द प्रोसेस। संबंध अभिधेय प्रयोजन है, अभी संबंध और प्रयोजन ये कभी बदलता नहीं है, पर अभिधेय जरूर बदलेगा। बदलेगा मतलब क्या है? अभिधेय मतलब किस तरह से आप आपका मन भगवान पे लगा रहे। तो अभी हम में से कितने लोग क्या लेक्चर सुनते हैं हमारे फोन पे या आईपॉड पे या कहीं? तो भी शास्त्रों में कौन सुनता है ऐसे लेक्चर्स? पर हम अभी तो ये कर रहे हैं, ये भगवान पे मन लगा रहे हैं, पर ये शास्त्रों में नहीं है ये कहीं। पर क्या है? द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द माइंड ऑन कृष्णा में चेंज, द पर्पस ऑफ फिक्सिंग द माइंड ऑन कृष्णा विल रिमेन द सेम। तो जो कहते हैं कि शास्त्रों से न केवल हमको पर्पस चाहिए पर प्रोसेस भी मिलना चाहिए, वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी। अगर किसी को फ्रांस में प्रचार करना है, वहां पे फ्रेंच आपको सीखना है, मैं बोला शास्त्रों से फ्रेंच सीखेंगे, शास्त्र से फ्रेंच कैसे सीखेंगे आप? शास्त्र में फ्रेंच है ही नहीं। तो फिर आपको कुछ कुछ परिस्थितियों में ज्ञान कहीं वहां से भी प्राप्त करना पड़ता है, पर उससे हमारा उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। और उद्देश्य बदल जाएगा क्या, कृष्ण के स्मरण करने की जरूरत नहीं है, कुछ और कर दिया, तो फिर समस्या आ जाएगी। यस सर। तो जो आजकल हम लोग देख ले सोशल मीडिया का ट्रेंड ज्यादा बढ़ते जा रहा है, उसमें युवा पीढ़ी भी ज्यादा करके आकर्षित हो रही है, तो कभी कभी हमें लगता है कि दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि वी शुड यूज टेक्नोलॉजी टू रीचिंग पर्पस, तो हाउ टू बेस्ट यूज सो दैट वी कैन गेट मोर पीपल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस एज वेल एज वी डोंट गेट कैरिड अवे। सोशल मीडिया हम कैसे इस्तेमाल करें जिससे कि हम लोगों को कृष्ण की ओर ला सके पर हमको उससे दूर न चले जाए, ये हमेशा समस्या होती है। कैसे? हम देखते हैं कि सोशल मीडिया इज लाइक द लैंग्वेज ऑफ पीपल टुडे, ये आजकल के लोगों की बातचीत की भाषा है,
और जो जन साधारण लोगों की जो भाषा है उसमें हम बात नहीं करेंगे तो हम हमें सुनने वाले लोग बहुत कम हो जाएंगे। और इतिहास में ये बार बार हुआ है, जब एक समय ऐसे था लगभग 5th सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD तक बौद्ध और जैन धर्म भारत पे राज्य कर रहे थे। 70 से 80% भारत जो था वो बौद्ध और जैन धर्म से भरा हुआ था। यहाँ तक कि बौद्ध और जैन जो है ये एक तरह से तत्वज्ञान के स्तर पर नास्तिक है। तो पूरे वो उस समय में जो क्लासिकल लैंग्वेजेस कहते हैं, जैसे ग्रीक है, लेटिन है, संस्कृत है, उस समय में जो भाषाएं थी, तो क्या है उस समय में 5th सेंचुरी BC to 5th सेंचुरी AD उसमें सबसे ज्यादा नास्तिकवाद पे किताब किसी क्लासिकल भाषा में लिखी है तो वो है संस्कृत में। अभी हम संस्कृत को एक पुण्य देव भाषा मानते हैं, पर सबसे ज्यादा प्राचीन भाषाओं में किसी नास्तिकवाद किसी भाषा में लिखा है संस्कृत में लिखा हुआ है। तो क्या हुआ एक्चुअली, इनिशियली जो बौद्ध और जैन धर्म चालू हो गए तो कई ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो वो पाली प्राकृत जैसे साधारण भाषा यह थी उसमें प्रचार हो रहा था उनका। और जो ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो साधारण लोग की भाषा है, हम इसमें जो बातचीत है उसमें हम कुछ हमें उसकी परवाह नहीं करेंगे, तो ये बहुत प्रचलित हो गए इस तरह से। फिर बाद में इतने प्रचलित हो गए कि कुछ ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग भी उससे प्रभावित हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया, ये जो पाली प्राकृत पे जो धर्म प्रचार हुआ था उसके आधार पर संस्कृत में ग्रंथ लिख दिए। और फिर वो इतने प्रभावशाली हो गए कि उन्होंने ब्राह्मण से ज्यादा ग्रंथ, ब्राह्मण ने वैदिक धर्म पे जितने ग्रंथ लिखे थे उससे ज्यादा उन्होंने ग्रंथ लिख दिए। तो क्या होता है कि अगर जो पॉपुलर लैंग्वेजेस में जो चीजें हैं, जो साधारण लोगों की भाषा में जो चीजें हैं उसके ओर हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो चीजें जो है वह तो वह जो धर्म है वह इररिलेवेंट हो जाता है। अभी विश्व हिंदू परिषद जो थे वो सारे हिंदुओं को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे थे, कई बार ऐसे प्रयास हुए हैं तो पर अभी तक प्रयास कुछ यशस्वी नहीं हुए हैं। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो क्या हुआ था कि भारत में बहुत साधु हैं, तो फिर भारतीय सरकार ने एक ऐसा फैसला किया था, आई थिंक गुलजार लाल नंदा तभी एक भारत के नेता थे, कि जो भी जो जो परंपरा से संबंधित साधु है उनको एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देगा, एक आइडेंटिटी कार्ड देगा कि यू आर ऑथराइज्ड साधु। तो फिर क्या हो गया, तो कुछ लोगों ने स्वीकार किया और बाकी सब साधुओं ने क्या किया, तो तुम तो सरकारी साधु हो, हम स्वतंत्र साधु हैं। तो फिर सरकारी साधु नहीं होता, आइडेंटिटी कार्ड छोड़ दिया फिर। तो फिर वो चला नहीं पता, जब जाते हो तब जब विश्व हिंदू परिषद ने करने का प्रयास सब भारतीय साधुओं को हिंदू साधुओं को साथ में लाने का, तो उन्होंने क्या किया, जो पारंपरिक साधु थे जैसे कोई चार संप्रदाय है या श्रृंगेरी मठ है उनको ले फ्रंट रो सीट्स दिए, और जो बाकी जो पॉपुलर हिंदू लीडर्स है सत्य साई बाबा जो पहले थे या अभी रविशंकर है या रामदेव बाबा है उनको पीछे के सीट दिए, सेकंड थर्ड रो सीट्स। पर क्या हुआ है आजकल के समाज में जो पारंपरिक जो गुरु है माध्य संप्रदाय है श्री संप्रदाय है या श्रृंगेरी मठ है उनका प्रभाव जनसाधारण में उतना नहीं है। एक पारंपरिक पद्धति में वो उनको आदर है, पर जो जन समुदाय है उनका उनमें जो पॉपुलर लोग हैं वो कोई अलग ही है। तो क्यों इससे फर्क क्यों है कि somebody might be traditionally very respected but if they are not speaking the language of the common people they don't retain that popular following। तो ये जो हुआ ये क्यों हुआ ऐसे से कि जो जनसाधारण जब जो भाषा में ये कहने का इसलिए बता रहा हूँ सारे इतिहास उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जो जनसाधारण की भाषा है उसमें ही हमें बात करनी है, अगर उसमें बात नहीं करेंगे तो हम बहुत से लोगों तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो उसमें थोड़ा रेगुलेशन ज़रूरी है क्योंकि क्या है कि जो इंटरनेट है उसमें ये इतने सारे डिस्ट्रैक्शन वहाँ पर आ सकते हैं कि व्यक्ति ज़िंदगी भर उसमें फंस सकता है। तो इसलिए अगर किसी से हम थोड़ा मॉनिटरिंग या रेगुलेशन रखते हैं तो फिर ठीक है कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है तो किस लिए यूज़ कर रहे हैं,
तो अगर मैं इंटरनेट पे एक्सेस इंटरनेट पे कुछ पढ़ रहा हूँ ये कर रहा हूँ तो कोई और भक्त उसी उसी क्षेत्र में हो गए उनसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है मैं ये कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ये अच्छा ये सीख लो आप, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस फील्ड में कोई है उनके द्वारा थोड़ा सा गाइडेंस और रेगुलेशन रहेगा तो अच्छा है, पर अगर नहीं करेंगे तो वी विल बी लेफ्ट आउट, वी हम पूरा बाहर फंस जाएंगे। और क्या है कि आजकल तो सोशल मीडिया के द्वारा कोई भी कॉज के लिए आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो तामसिक जो है जैसे कि जो इस्लामिक ISIS जो था वो पूरे विश्व भर में वो फैला क्यों, सोशल मीडिया से फैला, बहुत पावरफुल था सोशल मीडिया पे थे, और भारत से भी बहुत से लोग वहाँ पे चले गए, यूरोप से लोग चले गए। और कुछ लोग कहते हैं आतंकवादी जो होते हैं ऐसे होते हैं कि वो अशिक्षित होते हैं, गरीब होते हैं, उनको कुछ मार्ग नहीं होता है तो उनको मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे नहीं है। बहुत से लोग जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब हो सकते हैं, पर बहुत से लोग सुशिक्षित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पर उनको भी मैनिपुलेट हो जाते हैं लोग, उनके भी दिमाग के दूषित हो सकता है। तो इसलिए अगर हम नहीं हैं तो कोई और तो ज़रूर है ही जो लोगों को गुमराह करने वाला है, या गुमराह नहीं को आकर्षित करने वाला है। तो एक तरह से जो रिलीजन है यह एक बिजनेस के समान है। मतलब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग करेगा वो यशस्वी होगा। एक तरह से, पूरी तरह से वैसे नहीं है, पर आजकल के समाज में ऐसा है कि अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो आप ज़्यादा रीच नहीं होगा, जो मार्केटिंग करेंगे उनका रीच होगा वो। इसलिए हमको सोशल मीडिया पे होना बहुत ज़रूरी है। और एक तरह से ISKCON इज इन द विथ रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया अभी तक हम स्टोन एज में हैं। हम आजकल बहुत से भक्त अपना अपना कंटेंट जो है इंटरनेट पर डाल रहे हैं, पर बहुत कम ऐसे जो इंटरनेट के लिए कस्टमाइज कंटेंट बना रहे हैं। तो जो है ऐसे अपना कंटेंट डालना जो पहले से आपको ढूंढ रहे हैं वो वहाँ पे जाएंगे और आपको संपर्क होंगे, पर नए लोगों तक तो पहुँचने के लिए उसको काफ़ी मेहनत लगता है। मैं एक इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन में था तो वहाँ पर इंटरफेथ फोरम में था, वहाँ पर बताया था कि मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स अभी बिटवीन 10 to 40% ऑफ देयर एंटायर आउटरीच बजट इज फॉर ऑनलाइन आउटरीच, 10 to 40%। तो हम में से हम तो बहुत कम करते हैं, तो हम काफ़ी पीछे है उसमें एक्चुअली। लेट मी नो व्हेन टू स्टॉप प्रमो। How will we come to know? Okay, one or two more questions we'll take. Social media का जो impact आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो congregation और ये दोनों भी जो पहले जितना fastly चीजों को grasp करते थे, जो उसके लिए सत्तू में चाहिए, वो बहुत सारे return और बहुत सारे duties, ब्रह्मचारी भी तो youth भी है congregation भी, ज़्यादा time इसमें जाने की वजह से, शालो इसमें जाने की वजह से फिर वो उतना depth नहीं मिल पाता है devotion। तो लोग आजकल बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो जितना सत्वगुण चाहिए उतना नहीं है। भाई इस पर थोड़ा मतभेद है, क्या कि एक तरह से अगर इंटरनेट पे भी आप देखते हैं, मैंने एक लेक्चर दिया था अमेरिका में, इंटरनेट इन द 3 मोड्स। अभी इंटरनेट जो है उसमें तामसिक चीज़ें हैं, राजसिक चीज़ें, सात्विक चीज़ें भी हैं। अगर आजकल अगर हम विकिपीडिया जो ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है, तो वो बनाने के लिए पूरा वॉलंटियर्स बना रहे हैं। और एक वक्त ने मुझे इन्वॉल्व किया था कि आप भी ISKCON से रिलेटेड, कृष्ण से रिलेटेड जो भी है विकिपीडिया आर्टिकल्स है उसको एडिट करो अच्छी तरह से। तो मैं कहने लग गया सो कितना मेहनत लगता है, आसान काम नहीं है वो, हर एक वाक्य के लिए रेफरेंस देना, और पूरा वॉलंटियर्स कर रहे हैं। तो इसमें और अगर आप किसी वगैरह, अगर मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया है और मैं कुछ एप्पल कंप्यूटर पर जाके पूछता हूँ सवाल कि ऐसे हो गया, कितने सारे लोग जवाब देते हैं वहाँ पे। तो ऐसे नहीं है कि केवल, तो जैसे कैसे आपके घर में कोई समस्या है, आप किसी नेबर पर जाके पूछो, आपके पड़ोसी को जाके पूछो क्या समस्या, वो उसका अपना हाल बताएगी, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो वैसे जो इंटरनेट जो है वो वहाँ पर सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। पर
और सत्वगुण भी बहुत विशाल है। अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है आज, तो कितना आसान है ज्ञान प्राप्त करना। पहले अगर आपको किसी चीज के बारे में पढ़ना है तो लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में किताब देखो है कि नहीं, किताब ढूंढो, किताब नहीं होगा तो फिर वो आप लाइब्रेरियन को बोलो कि आप कृपया एक किताब ऑर्डर करो, कब किताब आएगा फिर पढ़ेंगे। अभी गूगल भी आपको सब कुछ काफी हद तक मिल सकता है, आपको आपको ढूंढना पड़ता है रिलायबल क्या है रिलायबल क्या नहीं है। पर अगर कोई सत्वगुण में ज्ञान का विकास करना चाहता है तो इतना सारा एक्सेस है जो पहले नहीं था। पर एक बहुत बड़ा फर्क क्या है कि इंटरनेट पे आप सत्वगुण से तमोगुण में एक पल में जा सकते हो। तो अगर कोई लाइब्रेरी में कुछ पढ़ाई कर रहा है और फिर उसको शराब पीने के लिए कोई शराब की दुकान में आना है, तो उसको उठ के एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा और फिर लोग देखेंगे आप क्या कर रहे हैं, अरे यहाँ पे मत जाओ, क्यों जा रहे हो। पर क्या यहाँ पे आप विकिपीडिया पे एक आर्टिकल पढ़ रहे हो सकते हैं और एक बटन चेंज कर दो और क्या हो गया, आप कहीं यूट्यूब में जाके कुछ अश्लील चीज़ें देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या वो स्विच बड़ा आसान हो जाता है। तो रजस और तमस जो है वह क्योंकि जनसाधारण में अधिक है, अधिकांश लोग रजस तमस में है, तो इसीलिए इंटरनेट पे भी अधिकांश रजस तमस ही है। पर सत्व भी इंटरनेट में बहुत है और काफी हद तक भक्ति का ज्ञान भी हम प्रचार करने में हमको काफी सुविधा होती है इंटरनेट से। तो अभी क्या है कि जितना द मोर आउटर कंट्रोल आउटर पावर वी गेट द मोर इनर पावर वी नीड। जितनी बाह्य शक्ति हमको मिलती है उतनी हमको अंतरंग शक्ति की जरूरत पड़ती है। बाह्य शक्ति मतलब क्या है, दुनिया से हम कहीं से भी कोई भी जानकारी ढूंढ सकते हैं। तो जितनी हमको बाह्य शक्ति तंत्र ज्ञान देता है उतना हमको अंतरंग शक्ति की जरूरत पड़ती है कि मैं क्या चुनाव कर रहा हूं। तो अगर हम उसको जो चाहता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो इंटरनेट से बहुत बहुत सारा ज्ञान प्राप्त भी कर सकता है व्यक्ति, ऐसे नहीं है कि नहीं है कर सकता है। और बहुत से ऐसे ऑनलाइन भी चीज़ें हैं, कुछ लोग कहते हैं इंटरनेट से लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पर ऐसे नहीं है। अगर आप देखते हैं इंटरनेट पर बड़े बड़े आर्टिकल्स लोग लिखते हैं, लोग पढ़ते हैं आर्टिकल्स, हम कहते हैं लोगों का ध्यान कम है, पर ऐसे नहीं है। अभी कुछ कुछ अगर आप यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, दो दो ढाई ढाई तीन तीन घंटे के पॉडकास्ट है और लाखों की मात्रा में लोग देख रहे हैं उसको, सुन रहे हैं। कुछ कुछ पॉडकास्ट देखते हैं उस पर एक वीडियो पे उस पर लगभग 50,000 कमेंट्स है। और कमेंट्स मतलब ऐसे नहीं कि एक दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहे, ऐसे थॉटफुल कमेंट्स है। तो कुछ एक तो कमेंट देख रहा था मैं, ऐसे एक व्यक्ति ने कुछ कमेंट किया है, उस कमेंट पे 50,000 लोगों ने कमेंट किया है। और ऐसे नहीं कि एक्चुअली कन्वर्सेशन चल रहा है, इसने ऐसे कहा नहीं पर ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे। तो बहुत कुछ थॉटफुल भी चल रहा है इंटरनेट, ऐसे नहीं है कि नहीं चल रहा है। पर रजस और तमस का प्रभाव ज़्यादा है, हम में ज़्यादा है, इसलिए इंटरनेट पे भी रजस और तमस का मात्रा ज़्यादा है, आसानी से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमें हर एक व्यक्ति को यह आत्मनियंत्रण लाना चाहिए। तो इसके लिए ब्रॉडली आई थिंक आई फाउंड 3 थिंग्स हेल्पफुल। पर्पस, ड्यूरेशन एंड डेफरेंस। मतलब मैं कहता हूँ क्या पर्पस मतलब क्या है कि भाई मैं बोर हो गया, इंटरनेट पे जाकर ढूंढता हूँ कुछ, इंटरनेट वैसे नहीं करना चाहिए तो आप फंस जाओगे। पर्पस मतलब क्यों जा रहा हूँ पहले पता करना चाहिए, ठीक है मुझे ये आर्टिकल यहाँ पे पढ़ना है या ये मुझे वेबसाइट देखना है, एक ध्येय क्लियर होना चाहिए। और जब भी इंटरनेट देखते हैं तो कुछ टाइम लगा था, ठीक है मैं आधे घंटे के लिए देने वाला हूँ सोशल मीडिया पे, आधे घंटे जाने लगा और कुछ नया मिल गया कि ये अच्छा लगता है पढ़ना है, पर ये वीडियो देखने के मुझे एक घंटा लगने वाला है, ठीक है अभी नहीं। डेफरेंस मतलब डेफर कर दो उसको, बाद में देखते। तो क्या होता है अगर बाद में मैं फैसला कर लेता हूँ कि मैं ये कल देखूंगा, तो जब भी कुछ नया आ जाता है तभी इच्छा होती है अभी मैं देख लूंगा। हाँ पर क्या होता है एक दिन के बाद अगर देखना है तो फिर बाद में सोचेंगे क्या इतना जरूरी है क्या देखना है, जरूरी है तो देखेंगे। तो क्या है बेसिकली अगर ये कर लेते हैं कीप योर पर्पस क्लियर, तो अगर हम बोर होकर इंटरनेट पे जाते हैं ना तो फिर जिंदगी बोर्ड में चली जाएगी। क्या है इंटरनेट पे ये अच्छा लगता है, ये इतना अच्छा नहीं है, ये अच्छा है वो अच्छा है, वो बहुत फंस जाते हैं। पर अगर किसी क्लियर ध्येय से आते हैं
क्लियर टाइम रखते हैं कि इतने टाइम के लिए मैं जाने वाला हूँ, और कभी कभी होता है कि और अच्छा चीज़ भी मिल जाता है, पर वो तुरंत नहीं करना है, वो रूल रखो कि अभी मैं आधे घंटे के लिए करने वाला हूँ, और कुछ आना आएगा तो बाद में मैं देखूंगा, कल देखूंगा, शाम को देखूंगा, तो ऐसे करेंगे तो थोड़ा रेगुलेशन बैठता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। यस, सम कमेंट्स ऑन दिस टू। जैसे कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर देखना, अभी तक देखा जाता है कि बहुत से बार सोशल मीडिया के कारण जो प्रभुपाद की बुक्स है, आर्टिकल पढ़ना चाहिए लेकिन प्रभुपाद के बेसिक जो बुक्स है वही पढ़ते नहीं, मेरे पर्सनली कह रहा हूँ, फिर उसमें बह जाता है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो नहीं होता, फिर वो हवा के साथ बह जाता है, फिर उसमें ओपिनियन डिफरेंस आ जाते हैं। तो कभी कभी सोशल मीडिया प्रमोट कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया प्रमोट करने के बाद उसका नुकसान भी होता है, क्योंकि वो ऑथराइज पर्सन बोल रहा है अभी उसको यूज करो, फिर उसको प्रमोट लेते, बाकी छोड़ देते वो। तो प्रभुपाद की जो भगवद्गीता है, भागवतम जो सीसी दिया है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि हाली 10-12 साल में देखा जा कि मैं अभी भी सिचुएशन में आश्रम में हो, बाहर हो, ग्रस्त किसमें, लेकिन नेट का प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ नेट में अच्छी चीज मिलती है, लेकिन बेसिक जो प्रभुपाद की बुक्स है, जो हमारे गुरु वर्ग है उनके लेक्चर्स, वो साइड में रह जाते हैं। इसके बारे में क्या करें, इसके बारे में क्या है कि हम इंटरनेट पे जो भी नया जाता है वो देखते हैं, पर जो हमारे मूल ग्रंथ है वो पढ़ते नहीं है हम, या हमारे प्रधान आचार्य के लेक्चर सुनते नहीं है, या एक सी समस्या है, पर मुझे पता नहीं इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है क्या। कैसे है कि ओके, तीन चीज़ें हैं इसमें, जो ग्रंथ पढ़ते हैं और जो ग्रंथ पढ़ना ही पसंद करते हैं, मतलब वो उनको एक अच्छा किताब लो, किताब लेके पढ़ो और ज्ञान प्राप्त करो, उसको उनकी रुचि लगती है, उनको सोशल मीडिया में कुछ रुचि ज़्यादा लगती ही नहीं, ये एक प्रकार के लोग हैं। दूसरे है कि ऐसे लोग हैं जो ग्रंथ पढ़ते ही नहीं है, जो पढ़ते ही नहीं है, कई ऐसे है कि वो आजकल कॉलेज में, स्कूल्स में जाओगे तो वो सारे किताबें उनके आईपैड पे ही होती है, वो अमेरिका में स्कूल में आते तो कुछ विद्यार्थी कुछ होते वो स्कूल में कुछ बैग लेके जाते ही नहीं है, सिर्फ आईपैड सारी किताबें उसमें है, कुछ लेके आते सिर्फ नोटबुक लेके आते हैं, पर आजकल नोटबुक भी नहीं होता, सिर्फ वो नोट्स भी कंप्यूटर में लेते। तो जिनको अभी वैसे ज़्यादा भारत में लोग नहीं है, पर उस जो लोग वैसे भी किताबें पढ़ते ही नहीं हैं, उनको भक्ति में आके किताबें पढ़ने की आदत लगाना ये काफ़ी मुश्किल है। तो वी शुड नॉट मेक भक्ति मोर डिफिकल्ट देन इट नीड्स टू बी। तो भक्ति जितनी मुश्किल है उससे अधिक मुश्किल नहीं बनाना है। अगर किसी को किताब पढ़ने की आदत ही नहीं है, और क्या है ग्रंथ पढ़ना, ये आसान नहीं है, खास करके तत्वज्ञान के ग्रंथ पढ़ना ये आसान नहीं है। अधिकांश लोग जो है प्राचीन समय में भी, मैं वैसे बताता कि ओरल ट्रेडिशन से सीखते थे, पहले ग्रंथ अधिक थे ही नहीं, इसलिए ग्रंथ पढ़ते नहीं थे लोग, पर ग्रंथ हो गए तो भी आजकल के भी समाज में आप देखोगे तो बाहर की दुनिया में भी जो सीरियस किताबें जो होती है, कोई सीरियस को पॉलिटिकल एनालिसिस भी क्यों ना हो, पॉलिटिकल लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ने में लोगों को रुचि होती है, पर कोई बहुत सीरियस एनालिसिस हो, अगर अखबार का संपादक है कितने लोग पढ़ते हैं, समाचार स्पोर्ट्स बहुत से लोग पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी जो ग्रंथ है, तत्वज्ञान जो ग्रंथ है, वो सीरियस ग्रंथ है। तो ऐसे कई लोग होंगे जो ये फर्स्ट कैटेगरी में, ये थर्ड कैटेगरी में है, जो फर्स्ट में आएंगे ही नहीं। तो जो वैसे भी ग्रंथ पढ़ने वाले नहीं है, जो भगवद्गीता जशी है तशी घेतात आणि जशी है तशी ठेवतात। तो अभी बेहतर है कि कुछ ना कुछ तो उनका तत्व कृष्ण भावना से संबंध रहे। तो जो कृष्ण जो सोशल मीडिया में ही है और उससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल है, तो फिर वी हैव टू मेक इट अवेलेबल टू देम। तो अभी कोई शास्त्र पढ़ के सिर्फ सोशल मीडिया पे जो ये इसने ऐसे किया, उसने वैसे बोला, उसने यहाँ पे हो गया, ऐसे प्रजल्प में लग जाते हैं, प्रजल्प ऐसे बातचीत में लग जाते, कभी प्रजल्प हो, प्रजल्प नहीं हो सकता है। तो कोई जो ग्रंथ पढ़ रहा है, ग्रंथ छोड़ के इधर जाता है और सोशल मीडिया पे इधर उधर देखते रहता है, तो वो अच्छा नहीं है। पर जो सोशल मीडिया में ही पहले से जी रहा है, उसको अभी एक नई उसको भक्ति भी स्वीकार करनी है और एक नया ग्रंथ भी पढ़ने की आदत लगानी है, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अधिकांश जो लोग बीच में हैं,
और थोड़ा ग्रंथ पढ़ते हैं और थोड़ा सोशल मीडिया में भी रहते हैं। तो फिर क्या है कि अगर उनको आप बोलेंगे, इट्स हर बार क्या ऐसे ही होता है कि अगर मान लीजिए कोई आधा घंटा सोशल मीडिया पर डाल रहा है, आधा घंटा प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहा है, तो अगर उनका वो आधा घंटा आप सोशल मीडिया निकाल देंगे तो क्या वो आधा घंटा सही में प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे? क्या है कि एक तरह से मन का एक अनुशासन लगता है प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने के लिए, और सिर्फ टाइम होने से वो नहीं होता है। तो एक प्रकार का सीरियसनेस होता है जब आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, एक प्रकार का थोड़ा लाइटनेस होता है जब आप कुछ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या सोशल मीडिया कुछ कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से हमको कृष्ण भावना एक्सेसिबल बनाना है। तो अगर कोई जो प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ सकता है और पढ़ना छोड़ के दूसरी चीज़ें करता है तो वो अच्छा नहीं है। और सिर्फ ऐसा मत करो बोलने से ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम कुछ सुविधा निर्मित करते हैं, ऐसे कि कोई भक्ति शास्त्री कोर्स है तो भक्ति शास्त्री की एग्जाम आ जाती है, तो क्या है कलयुग ऐसे है कि जब तक आपके नीचे आग नहीं लगती है हम कूदते नहीं है। तो अगर हम किसी को बोलते हैं ये मत करो तो वो काम नहीं करता है, ये करने के लिए प्रेरणा दे दो तो फिर वो काम करता है। सोशल मीडिया में मत जाओ बोलोगे तो क्या होता है कि वो आजकल का खास करके आजकल के लोगों का मन ऐसे जो मत करो बोल लेना, एज सून एज समथिंग इज फॉरबिडन इट बिकम्स फैसिनेटिंग। जैसे ही आप बोलो ये मत करो क्या होता है वो करने की इच्छा और बढ़ जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि हम थोड़ा चौंकाना तो ज़रूर रहना चाहिए, चौंकाना तो ज़रूर रहना चाहिए, बट अगर हम सुविधा प्रदान करते हैं तो अभी एक भक्त है वो क्या करते हैं ये अच्छा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, बोलते हैं क्या है कि रोज वो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि रोज आप भगवद्गीता का एक तात्पर्य पढ़ो, और उनका 20-25 भक्तों का ग्रुप है। तो रोज वो हर अलग अलग भक्त को बोलते हैं कि आप इस तात्पर्य पे एक सवाल ढूंढो, और वो सवाल वो उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देते और सब लोग उस सवाल का जवाब उस भक्त को भेजते जिसने वो सवाल किया। तो क्या हो रहा है वो सोशल मीडिया के द्वारा वो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने में थोड़ा प्रेरणा मिलता है। अभी क्या होता है कि रोज मैं एक श्लोक पढ़ूंगा तो आज का कल पढ़ लूंगा, कल का परसों पढ़ लूंगा और पढ़ूंगा ही नहीं, कभी ऐसे हो जाता है। पर ऐसे कोई थोड़ा अकाउंटेबिलिटी है, आजकल की दुनिया में सबको साथ में आके पढ़ना मुश्किल है, पर कुछ इस तरह से हम सुविधा निर्माण करते हैं कि तो ठीक है मैंने आज 7 बजे पढ़ लिया और मैंने जवाब इस समय दिया, 7:30 बजे दिया, मैंने 9 बजे दिया, रात को 11 बजे जवाब देते हैं। तो फिर इस तरह से थोड़ा प्रेरणा मिलता है। तो वो भक्त बताया था कि अभी वो रोज एक श्लोक पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसे करते करते उनका सारा ग्रुप अभी 10-11 अध्याय तक आ गया और अभी वो पूरा कर लेगा, जिनका और रुचि है वो और पढ़ेंगे, पर कम से कम इतना तो पढ़ रहे। अली में प्रेम मिलन को गौरमपुर ने प्रश्न पूछा है, तो गौरमपुर बोल रहे कि पिछले 3-4 साल में उन्होंने एनालिस्ट किया है कि बहुत से ग्रस्त और ब्रह्मचारी इसके कारण छोड़ के जा रहे हैं सोशल मीडिया का, और मुझे डर है कि फ्यूचर में ऐसा सोशल मीडिया के कारण इस्कॉन मिलन होगा, इसलिए उन्होंने बहुत सच चीज को प्रेम मिलन कहा है। प्रेम क्या? प्रेम मिलन। प्रेम मिलन एक स्टोरी हुआ था, उसमें एक प्रकार ने प्रश्न पूछा था कि काफी सारे सीनियर ब्रह्मचारी भी छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनका एक एनालिसिस था कि 3-4 साल में उन्होंने कहा कि बाहर भी उथल पुथल हो गई समाज में, कि सुसाइड का प्रमाण बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, वो हो गया है, एंड साधु का काम होता है कि दे शुड गो डीप, दे शुड गेट सम रस, तो वो रस नहीं मिलने के कारण फिर वो लोग छोड़ सकते हैं या लोग ऐसा, उन्होंने उनका एनालिसिस बताया था। लाइक बिकम सुपरफिशियल बिकॉज ऑफ दिस गैजेट्स एंड यू शुड गो डीप इनटू द व्हाट द ट्रेडिशन हैज बीन डूइंग, तो उसका या आई थिंक इट्स ट्रू, पर कैसे डीप जाएंगे वो हमें देखना है। सोशल मीडिया के कारण क्या है कि ऐसे इट्स आई फील समटाइम्स इट्स टू सिंपल एन एक्सप्लेनेशन कि सोशल मीडिया के कारण ही ऐसे हो रहा है, इस सोशल मीडिया द कॉज और सोशल मीडिया द चैनल, कि सोशल मीडिया के कारण ये असंतुष्ट आ रही है या सोशल मीडिया के कारण असंतुष्टि को व्यक्त करने का एक मौका मिल रहा है, और फिर हमको वो सोशल मीडिया में ऐसे विचार आ रहे हैं, पर वो विचार पहले से थे। वी कैन नॉट इतना आई थिंक ये ओवर सिंप्लीफाइड जाता है कि सोशल मीडिया के कारण ऐसे हो रहे हैं। सोशल मीडिया जरूर इट्स अ पार्ट ऑफ इट, पर वो इज इट अ कॉज और इज अ चैनल पता नहीं हमको,
इसलिए जरूर हर एक व्यक्ति को देखना है कि किस तरह से हमें हम हमारी भक्ति में एकाग्र रह सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, कई बार रियल जो सत्य है कॉम्प्लेक्स होता है, और कई बार ऐसे हमें एक प्रलोभन होता है कि टू फाइंड अ सिंपल सॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कि सत्य कॉम्प्लेक्स है उसका सिंपल सॉल्यूशन। जैसे इंग्लिश में कहा होता है किसी की जिसके पास हथौड़ा है उसको हर चीज एक किले के समान लगती है। इफ यू हैव अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। तो क्या सोशल मीडिया के कारण ही हो रहा है पता नहीं मुझे, क्योंकि क्या है कई जैसे अलग मैं जहाँ तक कई धर्मों में वो एक प्यू फाउंडेशन है जो अमेरिका में धार्मिक ट्रेंड्स का विश्लेषण करता है। तो प्यू फाउंडेशन ने बताया कि इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी मतलब कैथलिक है और प्रोटेस्टेंट्स है, प्रोटेस्टेंट्स में जो 50% रिक्रूटमेंट जो हुआ है 15-40 के एज में 50% वो इंटरनेट से हुआ है। जो 50% लोग नए क्रिश्चियन बने हैं वो इंटरनेट से बने हैं। तो अभी ये भी संशोधन कर सकते हैं कितने लोग क्रिश्चियन थे क्रिश्चियनिटी छोड़ के चले गए, शायद वो 50% ज्यादा हो सकता है पता नहीं हमको। बट इट्स नॉट अ वन वे, उससे लोग बाहर भी आ सकते हैं उससे लोग अंदर भी आ सकते हैं। तो इसलिए हमको वो देखना है, सिंपल सॉल्यूशंस नहीं है, दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हम सबको चौंकना रहना सोशल मीडिया पे, पर सोशल मीडिया को ही ऐसे बुरा बोलने से कुछ आई थिंक ज्यादा फायदा नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। ल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, ताए गौर प्रेमानंद श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु की जय।